Hello everyone. In this video of microprocessor and interfacing devices, I am explaining 8255 programmable peripheral interface. So, what is this 8255 programmable peripheral interface? It is a general purpose programmable input output device. इसका मतलब क्या है? It is programmable. यानी we can program it. क्या है? इसको हम लोग program कर सकते हैं. And it is input output device. यानी जब भी हमें कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस 8086 को कनेक्ट करना होता है तब हमें चाहिए 8255. इन शॉर्ट इट इज आल्सो नोन एज पीपीआई, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, दैट इज पीपीआई आईसी. क्या होता है? सपोज वी वांट टू कनेक्ट दिस 8086 टू इनपुट आउटपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस यानी कोई भी कीबोर्ड हो गया, कीपैड हो गया, या आउटपुट डिवाइस क्या हो सकते हैं, एलईडी हो गए, सेवन सेगमेंट डिस्प्ले हो गए, एलसीडी डिस्प्ले हो गए. जब भी ये डिवाइसेस हम 8086 को कनेक्ट करते हैं तो हमें जरूरत होती है पोर्ट्स की. पोर्ट्स किस लिए चाहिए? क्योंकि 8086 को अगर कम्युनिकेट करना है डिवाइसेस के साथ, यानी डेटा ट्रांसमिट करना है या रिसीव करना है, तो वो होगा थ्रू पोर्ट्स. और ये पोर्ट्स है 8255 के पास, इसलिए हमें चाहिए होता है 8255 पीपीआई आईसी. क्या होता है? जब भी 8086 को डेटा रिसीव करना होता है फ्रॉम इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस यानी सपोज कीबोर्ड से 8086 को डेटा रिसीव करना है, तो 8086 एग्जीक्यूट करता है इन इंस्ट्रक्शन. और जब भी 8086 को डेटा ट्रांसमिट करना होता है, ट्रांसफर करना होता है टू आउटपुट डिवाइस, तो तब ये एग्जीक्यूट करता है आउट इंस्ट्रक्शन. तो ये जो 8255 है ये 40 पिन आईसी है, जिसमें 20 पिन्स आर ऑन वन साइड एंड 20 पिन्स आर ऑन अदर साइड. इट इज डिजाइन टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम इनपुट आउटपुट टू माइक्रो प्रोसेसर. यानी लेफ्ट हैंड साइड में, हमेशा याद रखिए, इस साइड में हम लोग हमेशा 8086 माइक्रो प्रोसेसर कंसिडर करेंगे और राइट हैंड साइड में हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस कंसिडर करेंगे. तो दोनों के बीच में डेटा एक्सचेंज, डेटा रिसीव और ट्रांसफर करने के लिए 8255 का यूज होता है. यानी व्हेनेवर माइक्रोप्रोसेसर वांट्स टू ट्रांसमिट अ डेटा टू आउटपुट डिवाइस और व्हेन 8086 वांट्स टू रिसीव डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस, देन वी नीड टू कनेक्ट दिस 8255 इन बिटवीन. याद रखना है कि 8255 हम कभी भी मेमोरी को कनेक्ट नहीं करते, इट इज इनपुट आउटपुट डिवाइस. इट कैन बी यूज विथ ऑलमोस्ट एनी प्रोसेसर, किसी भी प्रोसेसर के साथ आप 8255 को यूज कर सकते हैं. अभी ये एग्जाम्पल देखते हैं डेटा इनपुट का. इनपुट यानी व्हाट इज डेटा इनपुट? डेटा रिसीव ऑपरेशन. क्या होता है डेटा रिसीव ऑपरेशन? जब भी हम लोग यहाँ पे कोई भी इनपुट डिवाइस कनेक्ट करते हैं और हमें डेटा ट्रांसफर करना है इनपुट डिवाइस से 8086 में. अब यहाँ पे क्या कनेक्ट किया है हमने? ये डीआईपी स्विचेस कनेक्ट किए हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 8 डिवाइसेस स्विचेस है, ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो 8 स्विचेस कनेक्ट किए हुए हैं और इसका जो भी स्टेटस है, यानी कोई तो डिवाइस स्विचेस ऑन हो गए और कोई ऑफ हो गए, और वही डेटा अब हमें ट्रांसफर करना है 8086 को. अगर ये करना है तो हमें बीच में क्या चाहिए? 8255 चाहिए और 8255 का पोर्ट चाहिए, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली डेटा 8086 को नहीं ट्रांसफर कर सकते. हम लोग ट्रांसफर करेंगे थ्रू पोर्ट, 8255 का पोर्ट. अभी ये इंस्ट्रक्शन है, उसके लिए यूज होगा इंस्ट्रक्शन इन इंस्ट्रक्शन. सो इन इंस्ट्रक्शन इज यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस थ्रू 8255 पोर्ट टू 8086. ये इन इंस्ट्रक्शन है. ये इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है? दिस इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर डेटा फ्रॉम पोर्ट एड्रेस. अब ये 15 क्या है? 15 है इस पोर्ट का एड्रेस. ये कोई भी हो सकता है पोर्ट 8255 का, जिसका एड्रेस है 8 बिट एड्रेस है 15. वहां से डेटा लेके हमें ट्रांसफर करना है AL रजिस्टर में. उसके लिए इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा इन इंस्ट्रक्शन. तो इसमें मूव इंस्ट्रक्शन यूज नहीं होता है, इसमें इंस्ट्रक्शन होता है इन एंड आउट. तो क्या होगा? अभी सपोज ये सर्किट हमें ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? ये क्या है? ये डीआईपी स्विच, ये आईसी, ये जो है डीआईपी स्विचेस कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं. अब ये हम लोग अगर ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट करेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा. ये 8086 भी ब्रेडबोर्ड पे होगा इस साइड में, बीच में होगा 8255 और उसके पोर्ट्स, और ये होगा हमारा डीआईपी स्विचेस. अभी देखिए इसमें क्या है, ये जो 4 स्विचेस है, 1 2 3 4, ये ऑफ है और 5 6 7 8 क्या है? ऑन है. तो ये ही स्टेटस हमें थ्रू 8255 8086 को ट्रांसफर करना है और AL में
स्टोर करना है, तो क्या होगा, जब भी इन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो ये भी डीआईपी स्विचेस का जो भी स्टेटस है ये वाया 8255 के पोर्ट के थ्रू जाके एएल रजिस्टर में इस तरह से स्टोर होता है। अब दूसरा इंस्ट्रक्शन है आउट इंस्ट्रक्शन। आउट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, डेटा ट्रांसफर होता है फ्रॉम 8086 टू आउटपुट डिवाइस। अभी ये देखिए, ये है एलईडीज, या एलईडीज कनेक्ट किए हुए है, 8255 है बीच में और पोर्ट ए को कनेक्ट किया। आप देख सकते हो यहाँ पे PA7 PA6 यानी 8255 का पोर्ट ए जो है उसको ये कनेक्ट किया हुआ है। अगर हम लोग ये ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट करते हैं तो इस तरह से होगा, ये हमारे एलईडीज है, ये बीच में होगा 8255, ये होगा 8086। आउट इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं फॉर डेटा ट्रांसफर टू आउटपुट डिवाइस। ये इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है, एएल में जो भी है, एएल रजिस्टर में जो भी कंटेंट्स है वो ट्रांसफर करने हैं हमें पोर्ट में, 8255 के पोर्ट में जिसको ये एलईडीज कनेक्टेड है। और वो पोर्ट का एड्रेस क्या है, पोर्ट का एड्रेस है 15। तो क्या होगा, जब हम लोग ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, 8086 में जो भी डेटा है, ये क्या है, 0000111, इस तरह से थ्रू 8255 पोर्ट से होके ये एलईडीज के पास जाएगा। और बेस्ड ऑन हम लोग एलईडीज का कैथोड कनेक्ट कर रहे हैं या एनोड कनेक्ट कर रहे हैं पोर्ट को, बेस्ड ऑन दैट उसमें से चार एलईडीज क्या होंगे, ग्लो होंगे, और चार एलईडीज ग्लो नहीं होंगे। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ कनेक्टिंग दिस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू 8086 और 8255 इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन बिटवीन। ये है 8255 का आर्किटेक्चर। 8255 is, it consists of 3 8-bit bi-directional input output ports. इसमें 3 ports है, ये है port A, ये है port B और ये है port C. ये 3 ports है, it is 8-bit bi-directional input output ports. इसका मतलब हर एक का साइज कितना है, हर एक का साइज है 8-bit. यानी हर एक port 8-bit information रिसीव कर सकता है या 8-bit information ट्रांसमिट कर सकता है, दोनों कर सकता है रिसीव और ट्रांसमिट, क्योंकि बायडायरेक्शनल है और इसलिए ये जो डेटा बस का डायरेक्शन है ये भी क्या है, बायडायरेक्शनल है, क्योंकि डेटा यहाँ से 8086 अगर इस साइड में है कनेक्टेड, अगर माइक्रोप्रोसेसर इस साइड में है तो इधर से डेटा आउटपुट डिवाइस में जाएगा या फिर इस साइड से ऐसे भी डेटा माइक्रोप्रोसेसर में ट्रांसफर हो सकता है। तो पोर्ट ए जो है उसकी 8 पिंस होती है, ये PA0 टू PA7, पोर्ट बी की पिन से PB0 टू PB7, ये आईसी है, 8255 क्या है, आईसी है, और ये क्या है, पिन से, आईसी के पिन से, ये PB0 टू PB7 क्या है, जो पोर्ट के पिन से, आईसी के पिन से, 8255 के आईसी के पिन से, ये PA0 टू PA7 भी ये क्या है, पिन से, ये भी क्या है, ये सारे पिन ही है। अभी क्या है, पोर्ट ए कंटेन्स 1 8-bit आउटपुट बफर एंड 1 8-bit इनपुट बफर। ये याद रखिए, एक पोर्ट ए में 2 बफर्स है, एक है आउटपुट बफर और एक है इनपुट बफर, और दोनों का साइज कितना है, 8-bit का है। यानी इनपुट बफर क्या करेगा, 8-bit इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा फ्रॉम इनपुट डिवाइस, और जो आउटपुट बफर है वो 8-bit इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा टू आउटपुट डिवाइस। पोर्ट बी क्या है, पोर्ट बी इज सिमिलर टू पोर्ट ए। पोर्ट बी सिमिलर टू पोर्ट ए है, इसका मतलब इसमें भी 2 बफर्स है, एक इनपुट बफर है, इसमें भी एक आउटपुट बफर है, और दोनों बफर का साइज क्या है, 8-bit का है। बफर में कोई भी डेटा चेंज नहीं होता, याद रखिए बफर जो होते हैं वो कभी भी डेटा को चेंज नहीं करते हैं। अगर ये कोई एक बफर है तो इसके इनपुट में जो भी हम लोग डेटा ट्रांसमिट करेंगे वही डेटा वो इस साइड में दिखाएगा, या तो फिर यहां से जो भी डेटा डालेंगे वही डेटा वो इस साइड में ट्रांसफर करता है, डेटा को चेंज नहीं करता है। पोर्ट सी क्या है, पोर्ट सी कैन बी स्प्लिट इंटू 2 पोर्ट्स। ये जो पोर्ट सी है, पोर्ट सी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज पोर्ट सी अपर एंड पोर्ट सी लोअर। ये भी 8-bit पोर्ट ही है, इसके भी पिंस PC0 टू PC7 है, 8-bit का ही है, 8-bit हम रिसीव कर सकते हैं या फिर 8-bit ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं दो पार्ट में, जिसमें कि 4 बिट्स आर नोन एज पोर्ट सी अपर और रिमेनिंग जो है ये इसको क्या बोलते हैं, पोर्ट सी लोअर।
ये जो तीन पोर्ट्स है, पोर्ट ए, पोर्ट बी एंड पोर्ट सी, ये डिवाइड किए हुए दो ग्रुप्स में, दैट इज ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. ग्रुप ए में क्या है, ग्रुप ए में है पोर्ट ए और पोर्ट सी अपर. अपर यानी पीसी 4 टू पीसी 7. अब ये सी 4 टू सी 1 सी 7 क्या है, ये आईसी के पिन सी होते हैं. और ये क्या है, पोर्ट बी, ग्रुप बी. ग्रुप बी कंसिस्ट ऑफ पोर्ट बी एंड पोर्ट सी लोअर. तो ये हो गया ग्रुप बी और ये हो गया ग्रुप ए. तो ये है इस तरह से जो पोर्ट है वो डिवाइड किए हुए हैं. अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डेटा बस बफर. ये क्या है, ये है यहाँ पे डेटा बस बफर. ये भी बफर ही है. क्या है ये, इट इज 8-bit बफर. 8-bit बफर है यानी इसमें से भी डेटा फ्लो होगा 8-bit का, यानी यहां से इधर भी फ्लो हो सकता है इस डायरेक्शन में, या फिर यहां से इस डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है. दोनों साइड से डेटा फ्लो हो सकता है बफर में और वो डेटा को चेंज नहीं करता है. इट इज 8-bit बफर विच इज यूज टू इंटरफेस द माइक्रो प्रोसेसर टू द सिस्टम बस. ये किस लिए यूज होता है, जब भी हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस थ्रू 8255 माइक्रो प्रोसेसर को कनेक्ट करते हैं, तो ये कनेक्शन के इंटरफेस है, ये कनेक्ट करता है 8086 को. कैसे कनेक्ट करता है, ये जो है ये डेटा बस है और ये होगा कनेक्ट 8086 के डेटा बस को. ये जो है डेटा बस बफर कहाँ कनेक्टेड होता है, ये 8086 के डेटा बस को कनेक्टेड होता है और इसलिए यहां से क्या होगा, डेटा फ्लो होगा. डेटा इज ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड बाय बफर एज पर इंस्ट्रक्शंस बाय सीपीयू. तो किस लिए है बफर, बफर जैसे मैंने बोला है ये डेटा रिसीव करने के लिए या डेटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है. रिसीव ऑपरेशन इज रीड ऑपरेशन. क्या होता है रिसीव, रिसीव यानी जब भी डेटा इनपुट डिवाइस से 8086 में फ्लो होता है उसे बोलते हैं रिसीव, और जब भी डेटा 8086 से आउटपुट डिवाइस में फ्लो होता है उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसमिट ऑपरेशन बोलेंगे. तो अभी देखते हैं कि कैसे डेटा, सपोज ये कोई तो डेटा है और ये हमें ट्रांसफर करना है थ्रू पोर्ट ए थ्रू डेटा बस बफर टू एएल रजिस्टर. इसके लिए हम लोग अगर इन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो डेटा किस तरह से फ्लो होगा, इन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो पोर्ट ए में है ना ये कनेक्टेड, सपोज ये जो है ये पिन का स्टेटस है, ये पिन पे है, ये 0000111 ये क्या है, पोर्ट ए के पिन पे है स्टेटस. 0 यानी 0 वोल्ट, 1 यानी 5 वोल्ट. तो ये इस तरह से फ्लो के इन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो एएल रजिस्टर में चला जाएगा. लेकिन कैसे गया वो इसका देखिए, कहां से कहां गया है फ्लो, ग्रुप पोर्ट ए से फिर डेटा बस बफर से होके एएल रजिस्टर में ट्रांसफर हुआ है. उसी तरह से अगर हमें डेटा ट्रांसमिट करना है तो ये किस तरह से, डेटा बस बफर के थ्रू ही हमेशा ट्रांसफर होगा. ट्रांसफर के लिए हमने ग्रुप बी का पोर्ट बी यूज किया. अब ये जरूरी है कि हमेशा पोर्ट ए से रिसीव होगा और पोर्ट बी से ट्रांसमिट होगा, नहीं ऐसा नहीं है. पोर्ट ए से भी ट्रांसमिट हो सकता है और पोर्ट बी से रिसीव भी हो सकता है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है. अभी ये रीड राइट कंट्रोल लॉजिक क्या है, यहाँ पे ब्लॉक है रीड राइट कंट्रोल लॉजिक और इसमें क्या क्या पिन है वन बाय वन देखते हैं. दिस ब्लॉक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ डेटा. जैसे मैंने बोला है जब भी हम लोग 8086 को इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं, बीच में हम लोग कनेक्ट करेंगे ये 8255, इस साइड में होता है 8086 माइक्रो प्रोसेसर और इस साइड में क्या रहेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस रहेगा और ये जो डेटा बस होगी ये 8086 के डेटा बस को कनेक्टेड होगी. ये रीड बार जो है वो 8086 के रीड बार को कनेक्टेड होगा, राइट बार 8086 के राइट बार को कनेक्ट होगा, रीसेट भी उसी तरह से कनेक्ट होगा और A0 और A1 भी 8086 के पिन्स को कनेक्टेड होगा. और इस तरह से ये जो ब्लॉक है ये डेटा ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डेटा ट्रांसफर कंट्रोल करता है. तो देखते हैं किस तरह से ये डेटा कंट्रोल करता है. तो सबसे पहला पिन है सीएस बार पिन. ये देखिए ये क्या है, सीएस बार पिन है. यहाँ पे देखिए ये एक्टिव लो है, सीएस बार इट स्टैंड्स फॉर चिप सिलेक्ट. क्या पिन है ये, चिप सिलेक्ट पिन है. अ लो ऑन दिस इनपुट सिलेक्ट्स द चिप एंड एनेबल्स द कम्युनिकेशन बिटवीन 8255 एंड सीपीयू. सीपीयू यानी माइक्रो प्रोसेसर. किस लिए यूज होता है ये चिप सिलेक्ट पिन, टू सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर 8255. ये एक्टिव लो है, जब भी यहाँ पे वन होगा ये 8255 सिलेक्ट होगा. लेकिन क्यों चाहिए, हम तो ऑलरेडी कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको अलग से सिलेक्ट करने की जरूरत क्या है.
तो ऐसा नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि एक सिस्टम में एक ही 8255 हो, उसमें मल्टीपल 8255 भी हो सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम हम लोग एक ही 8255 सिलेक्ट करते हैं और वो पर्टिकुलर 8255 सिलेक्ट करने के लिए उस आईसी के 825 उस 8255 आईसी के सीएस बार पे होना चाहिए 0 और बाकी 8255 के सीएस बार पे होना चाहिए 1 जो सिलेक्ट नहीं करते हैं। अभी पिंस देखिए ये क्या है, राइट बार पिन है, ये है राइट बार पिन, किस लिए यूज होती है, इट स्टैंड्स फॉर राइट, ये एक्टिव लो है, बार है इसका मतलब एक्टिव लो है, इट स्टैंड्स फॉर राइट, स्टैंड्स फॉर राइट यानी इट इज यूज्ड फॉर राइट ऑपरेशन, दिस कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल है राइट पिन, क्या है कंट्रोल सिग्नल है, इट एनेबल्स द राइट ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन क्या होता है, जब भी 8086 डेटा आउटपुट डिवाइस में ट्रांसफर करता है उसे बोलते हैं राइट ऑपरेशन। क्यों राइट ऑपरेशन बोलते हैं, क्योंकि जब हम लोग नोटबुक में आंसर्स लिखते हैं तो डेटा कहां से कहां फ्लो होता है, हमारे ब्रेन से नोटबुक की तरफ फ्लो होता है, नोटबुक क्या है आउटपुट डिवाइस है उस केस में, और हमारा ब्रेन क्या है, ब्रेन एक्ट्स एज अ प्रोसेसर और वो डेटा ट्रांसफर करता है टू नोटबुक, तो ये क्या है राइट ऑपरेशन है। तो राइट ऑपरेशन में व्हेन दिस सिग्नल गोज लो, क्योंकि एक्टिव लो है, द माइक्रो प्रोसेसर राइट्स इनटू सिलेक्टेड इनपुट आउटपुट पोर्ट, यानी कोई भी एक पोर्ट में लिखेगा, पोर्ट ए हो या सी हो या बी हो, राइट ऑपरेशन। रीसेट पिन किस लिए है, इट इज एक्टिव हाई सिग्नल, यहाँ पे देखिए ये क्या है रीसेट पिन है 8255 की, दिस इज एन एक्टिव हाई सिग्नल, इट क्लियर्स द कंट्रोल रजिस्टर एंड सेट्स ऑल पोर्ट्स इन इनपुट मोड। जब भी 8086 इसके ऊपर लॉजिक 1 ट्रांसफर करता है तो ये जितने भी पोर्ट्स है ये इनपुट मोड में सेट हो जाते हैं, यानी दे विल ओनली रिसीव द इंफॉर्मेशन। और एक कंट्रोल वर्ड रजिस्टर होता है 8255 में, जो कि ब्लॉक डायग्राम में नहीं दिखाया गया है, और वो 8 बिट का कंट्रोल वर्ड रजिस्टर जो है ये 8255 के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। तो जब भी ये रीसेट पिन पे 8086 1 ट्रांसफर करेगा, इट विल क्लियर द कंट्रोल रजिस्टर, इसका जो कंट्रोल रजिस्टर है इसके सारे कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। फिर एक पिन है रीड बार पिन, रीड बार पिन इज यूज्ड फॉर रीड ऑपरेशन। क्या होता है रीड ऑपरेशन, जब हम लोग बुक रीड करते हैं तो डेटा कहां से कहां फ्लो होता है, जब हम रीड ऑपरेशन करते हैं डेटा फ्लो होता है बुक से हमारे ब्रेन में, अब 8086 है हमारा ब्रेन, तो जब भी डेटा इनपुट डिवाइस से 8086 की तरफ ट्रांसफर होता है उसे क्या बोलते हैं, रीड ऑपरेशन बोलते हैं, और जब प्रोसेसर को इनपुट डिवाइस रीड करना है, रिसीव करना है डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस से, तब ये रीड बार पिन पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये भी याद रखिए कि 8086 एट ए टाइम या तो रीड करेगा या तो राइट करेगा, इसलिए या तो इस पिन पे 0 रहेगा या इस पिन पे 0 रहेगा, दोनों में कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अभी ये देखिए नेक्स्ट ऑपरेशन, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, यही है रीड राइट कंट्रोल लॉजिक के बारे में। ये ब्लॉक में हमने अभी रीड बार देख लिया, राइट बार देख लिया, अभी ये तीन पिंस और है, दो पिंस और है यहाँ पे, क्या है ये A0 है और ये A1 पिन है। किस लिए यूज होती है ये A0 एंड A1 पिन। अब हमने बोला है कि 8086 डेटा ट्रांसमिट करता है टू आउटपुट डिवाइस या डेटा रिसीव करता है फ्रॉम इनपुट आउटपुट इनपुट डिवाइस, लेकिन अभी 8086 को या 8255 को कैसे पता चलेगा कि कौन से पोर्ट के थ्रू उसे डेटा रिसीव करना है या कौन से पोर्ट के थ्रू उसे डेटा ट्रांसमिट करना है, कुछ तो चाहिए, बिकॉज दे कैन नॉट स्पीक, दे कैन ओनली ट्रांसमिट और रिसीव सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल्स। तो इसी के लिए ये है दो पिंस जिसके ऊपर 8086 सिग्नल ट्रांसमिट करेगा एंड बेस्ड ऑन दिस इट विल सिलेक्ट दिस पोर्ट्स, जैसे इसमें है पोर्ट ए है, पोर्ट बी है और पोर्ट सी है। जब ये A0 पे भी 0 रहेगा और A1 पे भी 0 रहेगा, यानी 8086 इसमें भी 0 ट्रांसफर करेगा और इस पिन पे भी 0 ट्रांसफर करेगा और ऑब्वियसली सीएस बार पे भी 0, ये सीएस बार है एक्टिव लो, इस पे भी 0 ट्रांसमिट करेगा, देन दैट टाइम इट विल सिलेक्ट दिस पोर्ट ए फॉर डेटा कम्युनिकेशन। तो अभी इसमें ये एग्जाम्पल में सिर्फ डेटा ट्रांसफर के लिए ही दिखाया गया है, तो क्या होगा अगर ये CS पे भी 0 गया और A0 A1 पे दोनों पे 0 गया, तो इट विल सिलेक्ट पोर्ट A फॉर डेटा ट्रांसफर
और माइक्रोप्रोसेसर जो भी है उसके रजिस्टर में आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ आउट इंस्ट्रक्शन इट विल ट्रांसफर डेटा थ्रू डेटा बफर. कहां से ट्रांसफर हुआ? थ्रू डेटा बफर, थ्रू दिस सिस्टम बस, थ्रू पोर्ट ए टू आउटपुट डिवाइस. और ये जो भी डेटा मैंने यहाँ पे लिखा है ये एक्चुअली कहाँ होगा? ये पोर्ट ई की पिंस होगी, PA0, PA1, PA2, PA3, ओ उसके ऊपर ये स्टेटस होगा. वन याने लॉजिक 5, वन लॉजिक 1 याने 5 वोल्ट और 0 याने 0 वोल्ट आपको वहां पे स्टेटस मिलता है. अब अगर ये A1 पे 0 ट्रांसमिट करता है, CS तो 0 ही होना चाहिए, A1 पे 0 ट्रांसमिट करता है और A1 पे अगर A0 पे अगर 1 ट्रांसमिट करता है तो देन इट विल सिलेक्ट पोर्ट बी. तो यहाँ पे देखिए अभी क्या होता है, ये अगर इस तरह से डेटा ट्रांसमिट करेगा 8086 ऑन A0, A1 एंड CS बार, देन इट विल सिलेक्ट पोर्ट बी और फिर डेटा ट्रांसफर कहाँ से होगा? थ्रू डेटा बस बफर, थ्रू पोर्ट बी टू आउटपुट डिवाइस. उसी तरह से अगर A1 1 है और A0 0 है, ये A1 1 है और A0 0 है, तो वो अगर डेटा ये 8086 इस तरह से ट्रांसफर करता है देन इट विल सिलेक्ट पोर्ट सी. और जो भी डेटा है जो अभी दो डिफरेंट अपर और लोअर से इस तरह से ट्रांसमिट होगा. तो ये क्या सिर्फ ट्रांसमिट के लिए यूज करते हैं? नहीं, ये रिसीव के लिए भी सेम एप्लीकेबल है. अगर इन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है और डेटा रिसीव करना है थ्रू पोर्ट तो भी लॉजिक यही रहेगा, सिर्फ इंस्ट्रक्शन चेंज हो जाएगा. सो इट वॉज ऑल अबाउट 8255. वॉट इज, हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम एक्सप्लेनिंग बिट सेट रिसेट मोड ऑफ 8255. 8255 दो मोड में ऑपरेट होता है, एक है BSR मोड और दूसरा है इनपुट आउटपुट मोड. BSR मोड जो है वो सिर्फ पोर्ट सी के लिए होता है और इनपुट आउटपुट मोड जो है उसमें आप तीनों के तीनों पोर्ट्स भी यूज कर सकते हो या इट डिपेंड्स. इनपुट आउटपुट मोड जो है वो 3 पार्ट्स में अगेन क्लासिफाइड है, लाइक मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2. अभी हम पढ़ रहे हैं बिट सेट रिसेट मोड ऑफ 8255. अब कैसे पता चलेगा कि 8255 BSR मोड में यूज हो रहा है या 8255 इनपुट आउटपुट मोड में यूज हो रहा है? एट ए टाइम 8255 एक ही मोड में यूज होगा, या तो BSR में या तो इनपुट आउटपुट मोड में. तो ये कंट्रोल वर्ड डिसाइड करता है, यानी अगर यूजर को यानी हमें अगर 8255 को BSR मोड में डालना है तो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर क्या है? कंट्रोल वर्ड रजिस्टर एक 8 बिट का रजिस्टर है 8255 के अंदर, उसका जो 7th बिट है डिजिट 7, इसे हमें क्या करना होगा? 0. जैसे ही हम इसे 0 कर देंगे तो 8255 अपने आप BSR मोड में एंटर हो जाएगा. अगर यूजर को 8255 को इनपुट आउटपुट मोड में यूज करना है तो ये बिट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. अगर ये 1 है तो 8255 एंटर हो जाएगा इनपुट आउटपुट मोड में. एंड अकॉर्डिंग टू वेदर दिस बीट इज 0 और 1, यानी ये बीट अगर 0 है तो ये जो रिमेनिंग बीट से उसका मीनिंग अलग होगा, और अगर ये बीट 1 है तो ये जो रिमेनिंग बीट से उसका मीनिंग क्या होगा? अलग होगा. तो देखते हैं BSR मोड. अब सबसे पहले इसका टाइटल देखिए, इट इज बीट सेट रीसेट मोड. इट इज यूज फॉर ओनली पोर्ट सी. बीट यानी बिट्स ऑफ पोर्ट सी, इसलिए या तो ये सेट करेगा उस पोर्ट सी की बिट को या तो ये रीसेट करेगा. एस फॉर सेट एंड आर फॉर रीसेट. ये है कंट्रोल वर्ड रजिस्टर फॉर्मेट फॉर BSR मोड, यानी जब D7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उसके रिमेनिंग बिट्स का मीनिंग क्या है देखते हैं. यहाँ पे D6, D5 और D4 जो है ये डोंट केयर है, यानी यहाँ पे या तो 0 रखो या तो 1 रखो. फिर ये जो है D1, D2 और D3, यहाँ पे हम लोग पोर्ट सी के बिट नंबर्स एंटर करते हैं. और ये जो लास्ट बिट है, लास्ट यानी D0 बिट, इसको अगर हम 0 करेंगे तो वो रीसेट मोड में डाल देगा. इस पर्टिकुलर बिट को रीसेट करता है, और अगर ये 1 है तो ये इस पर्टिकुलर बिट को सेट करता है. अब और डिटेल में देखते हैं कैसे होता है. अब ये है एग्जाम्पल जिसमें कि ये 8086 यहाँ पे दिखाया गया है. ये है ब्रेडबोर्ड पे हमने कनेक्शंस किए हैं. ये है 8255 जो कि 40 पिन IC है.
इस 8255 में कंट्रोल वर्ड रजिस्टर होता है, तो इमेजिन करो ये आईसी के अंदर है कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, और ये है पोर्ट सी की पिंस। इसका क्लोजर व्यू के लिए मैंने ये यहाँ पे 8255 उसके पिंस और क्लियरली दिखाई है। इसका सीक्वेंस यही होता है, ये जो है ये पिन है PC3, फिर PC2, 1, 0, 4, 5, 6 एंड 7, तो सीक्वेंस इसी तरह से रहेगा। यहाँ पे ये जो एलईडीज है ये कनेक्टेड है पोर्ट सी के पिंस को, यानी ये जो एलईडी है ये कनेक्टेड है PC7 नंबर के पिन को, ये PC6 यानी यहाँ पे कनेक्टेड है, ये जो यहाँ पे जो भी पिन रहेगी। तो आप अगर इसका क्लोजर व्यू दिखाएंगे या देखेंगे तो मैंने यहाँ पे क्लियरली दिखाया है ये PC7 है, PC7 को ये एलईडी कनेक्टेड है, और या ये PC0 को कनेक्टेड है और ये PC3 को कनेक्टेड है। तो ये सिंप्लिसिटी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ तीन ही एलईडीज कनेक्टेड है, लेकिन अश्यूम करो कि सारे के सारे एलईडीज हर एक पिंस को कनेक्टेड है। अब देखते हैं क्या होता है। ये है हमारा कंट्रोल वर्ड रजिस्टर फॉर्मेट फॉर बिट सेट रिसेट मोड। अब यहाँ पे हमने जीरो कर दिया यानी 8255 एंटर हो गया BSR मोड में। अब ये तीनों डोंट केयर है, इसको हम जीरो या वन कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम लोग जीरो ही लिखा करेंगे हमेशा। अब यहाँ पे ये है D1, D2, D3, ये बिट सिलेक्ट है यानी पोर्ट सी का बिट सिलेक्ट है। क्या है पोर्ट सी का बिट सिलेक्ट, यानी ये तीनों अगर 000 है तो ये बिट जीरो सिलेक्ट करेगा। बिट जीरो यानी PC0 यानी पोर्ट सी का जीरो पिन यानी ये पर्टिकुलर पिन सिलेक्ट होगा। अगर ये 001 है तो बिट वन यानी पोर्ट सी का पिन नंबर वन सिलेक्ट होगा, इस तरह से बिट वन यानी पिन नंबर वन एंड सो ऑन। अगर 111 है तो बिट सेवन यानी ये PC7 यानी ये पर्टिकुलर PC7 पिन ऑफ 8255। ये किस लिए है, ये है ये पर्टिकुलर बिट को सेट या रीसेट करने के लिए। ये बिट अगर जीरो है तो ये सिलेक्टेड बिट रीसेट हो जाता है, और ये बिट अगर वन है तो ये सिलेक्टेड बिट सेट हो जाता है। सेट होगा जब भी ये सिलेक्टेड बिट सेट होगा तो याद रखना है कि वो पिन पे कितना वोल्टेज आएगा, 5 वोल्ट आएगा, और अगर रीसेट होगा तो उस पर्टिकुलर पिन पे 0 वोल्ट हमें मिलना चाहिए। तो अब एक कंट्रोल वर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये है हमारा एग्जाम्पल, इसमें हमने ये जीरो कर दिया क्योंकि ये BSR मोड में हम यूज कर रहे हैं, ये तीनों डोंट केयर है, इसको हमने 000 ले लिया। अब बिट सिलेक्ट में हमने एंटर किया है 111, तो ये 111 यानी कौन सा बिट होता है, बिट 7 हो जाता है, पोर्ट सी का बिट नंबर 7 यानी PC7। और यहाँ पे 1 किया, 1 किस लिए है, सेट करने के लिए है। इसका मतलब यूजर को क्या करना है, ये वर्ड किसने लिखा, हमने लिखा, यूजर को लिखना होता है। हमने लिखा किस लिए, तो पोर्ट सी का बिट नंबर 7 जो है यानी PC7 जो है वो अब हमें सेट करना है, इसलिए हमारा ये कंट्रोल वर्ड है। अगर हम इसको हेक्साडेसिमल में देखेंगे तो ये क्या है, 0000 मींस 0 और ये क्या है, 1111 मींस F, तो ये वर्ड क्या हो गया, 0F हो गया। अब हमें ये जो 0F है, अब यहाँ पे हमने सेम लिखा है, ये जो वर्ड है 0F ये हमें कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में ट्रांसफर करना होता है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो वर्ड है कंट्रोल वर्ड 0F पहले AL रजिस्टर में डालेंगे। जब हम लोग ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे मूव AL कॉमा 0F, तो AL रजिस्टर जो है वो होल्ड करेगा 00001111। अब हमें ये जो सेम वर्ड है ये हमें कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए हमें यूज करना है इंस्ट्रक्शन आउट। यहाँ पे कभी भी आप मूव इंस्ट्रक्शन नहीं यूज करेंगे, कभी भी अगर आपको कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए होता है आउट इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का एड्रेस, ये सिर्फ CWR नहीं है, ये कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का एड्रेस यहाँ पे हम लिखेंगे और कॉमा AL, तो ये क्या करेगा इंस्ट्रक्शन, जो वॉट एवर इज देयर इन AL दैट विल गेट ट्रांसफर टू कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। तो इसके एग्जीक्यूशन के बाद ये जो वर्ड था ये चला जाएगा कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में। अब ये वर्ड के अकॉर्डिंगली ये बिट सिलेक्ट क्या है, PC7 सिलेक्ट किया इसने और सेट करना है, तो ये जो PC7 पिन है 8255 को यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉजिक वन हो जाएगा यानी ये पर्टिकुलर पिन जो है इसके ऊपर 5 वोल्ट आ जाएगा। अब अश्यूम करो कि हमने यहाँ पे एलईडी का एनोड कनेक्ट किया है और कैथोड को हमने ग्राउंड कर दिया है, तो अगर 5 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा तो एलईडी हो जाएगा फॉरवर्ड बायस और यहाँ से करंट
पास करेगा और एलईडी क्या हो जाएगा, ग्लो करेगा। इसका मतलब जब भी हम लोग ये दो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे अपने आप पीसी 7 पे 1 आ जाएगा, और ये जो पीसी 7 पे ये जो सेम है, इमेजिन करो ये एलईडी और ये एलईडी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा और ग्लो होगा। अब दूसरा वर्ड देखते हैं कि सपोज हमने कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में ये वर्ड एंटर किया। अब ये वर्ड, ये तो ठीक है, ये जीरो है, बीएसआर मोड में है, ये डोंट केयर है। अब हमने यहाँ पे बिट सिलेक्ट पे क्या डाला है, 000 डाला है। 000 मतलब हमें अभी चाहिए बिट नंबर 0, पोर्ट सी का बिट नंबर 0। और फिर से यहाँ पे हमने 1 ही लिखा है, 0 नहीं लिखा है, तो 1 करना है यानी सेट ही करना है। तो कौन सा बिट है अभी, ये है पीसी 0, ये पर्टिकुलर पीसी 0, ये वाला पिन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से हम लोग ये दो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। ये हेक्स में क्या है, 01 है, तो सबसे पहले हम इसको एएल रजिस्टर में डाल देंगे। तो ये जो 01 है ये पहले एएल रजिस्टर में चला जाएगा यहाँ पे व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन। उसके बाद हमने आउट इंस्ट्रक्शन से क्या किया, ये कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का एड्रेस कॉमा एएल किया, तो ये जो वर्ड है ये कहाँ चला जाएगा, ये कंट्रोल वर्ड में चला जाएगा। जैसे ही ये कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में एंटर होगा, अपने आप ये जो पीसी 0 बिट है, ये पीसी 0 बिट है, ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। सेट होगा तो यहाँ पे फिर से ये 5 वोल्ट है, तो ये फॉरवर्ड बायस होगा और ये एलईडी ग्लो होगा। अब पीसी 0 को कौन सा एलईडी कनेक्टेड है, तो ये पर्टिकुलर है, ये देखिए पीसी 0 को ये पर्टिकुलर एलईडी कनेक्टेड है, तो ये क्या होगा, ग्लो होगा। अब और एक वर्ड देखते हैं, कंट्रोल वर्ड में अगर हमने ये नंबर डाला, तो ये नंबर क्या है, ये 0 है, बीएसआर मोड में है, ये डोंट केयर है। अब 011 011 यानी बिट नंबर 3, बिट नंबर 3 यानी पीसी 3, और वो हमें फिर से क्या करना है, सेट ही करना है। हम लोग बार बार सेट ही कर रहे हैं, तो ये करना है, तो इसका मतलब हमारा कंट्रोल वर्ड अभी क्या है, ये है 07। ये पहले हमें क्या करना होगा, ये पहले एएल रजिस्टर में डालना होगा बाय यूजिंग मूव इंस्ट्रक्शन 07, और उसके बाद हम लोग आउट इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एएल से कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ये कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में जाएगा, तो ये क्या है, बिट नंबर 3, बिट नंबर 3 यानी ये पीसी 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और ये पर्टिकुलर एलईडी यहाँ पे है, ये पीसी 3 कहाँ, यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इस तरह से ग्लो हो जाएगा। तो ये तो है, मैंने जो एक्सप्लेन किया है ये है एप्लीकेशन ऑफ बिट सेट रिसेट मोड। लेकिन ये क्या है, ये है कंट्रोल वर्ड का फॉर्मेट, एंड एज पर अवर रिक्वायरमेंट वी हैव टू सिलेक्ट हियर द बिट पैटर्न एंड वेदर वी वॉन्ट टू सेट और रिसेट दैट बिट। तो ये यूजर के ऊपर होता है कि उसे कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए। अगर हमें ये पीसी 5 ग्लो करना है, तो अकॉर्डिंग टू पीसी 5 अगर ग्लो करना है, तो हमारा ये वर्ड क्या होना चाहिए, यहाँ पे पीसी 5 के लिए क्या है, 101, तो यहाँ पे बिट पैटर्न क्या होना चाहिए, 101 सेट करना है, तो ये फिर से 1 ही रहेगा, और फिर पीसी 5 पे यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी एलईडी कनेक्ट करेंगे वो क्या होगा, ये ग्लो हो जाएगा। तो ये है बिट सेट रिसेट मोड ऑफ 8255 इन इनपुट आउटपुट मोड। अब ये इनपुट आउटपुट मोड में यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जस्ट याद रखिए कि ये कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है, सेम कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है, जिसमें जब भी हम लोग ये D7 बिट पे 1 डाल देते हैं, तो हमारा 8255 इस पर्टिकुलर मोड में एंटर कर जाता है। कौन सा मोड है, तो इनपुट आउटपुट मोड है। इनपुट आउटपुट मोड फिर से 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2। जैसे ही हम यहाँ पे ये 1 एंटर करते हैं, तो ये जो रिमेनिंग बिट्स है इसका मीनिंग ही पूरा चेंज हो जाता है। जैसे हमने पहले बीएसआर मोड किया था, यहाँ जैसे 0 डाला था, तो ये हमारे 3 क्या थे, डोंट केयर थे, फिर ये बिट सिलेक्ट था और ये सेट रीसेट थे। लेकिन जब हम यहाँ पे ये 1 डाल देंगे, तो ये जो रिमेनिंग बिट्स है कंट्रोल वर्ड रजिस्टर के, उसका मीनिंग ही कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। जैसे ये दो बिट्स यूज करते हैं मोड 1 या मोड 2 या मोड 3 में पोर्ट A को एंटर करने के लिए, पोर्ट A को अगर इनपुट मोड में यूज करना है या आउटपुट मोड में यूज करना है, उसके लिए बिट ये वाला यूज करते हैं, D4 यूज करते हैं एंड सो ऑन। तो ये जो कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट है फॉर इनपुट आउटपुट मोड, ये हम आने वाले वीडियो में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, या फिर मोड 1 8255 मोड 1 का जो वीडियो है उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम एक्सप्लेनिंग मोड 1 ऑफ 8255 प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। 8255 दो मोड में ऑपरेट होता है, बीएसआर मोड और इनपुट आउटपुट मोड।
बीएसआर मोड यानी बिट सेट रीसेट मोड और ये है इनपुट आउटपुट मोड। इनपुट आउटपुट मोड में तीन कैटेगरीज है, क्लासिफिकेशन है, एक है मोड जीरो, मोड वन एंड मोड टू। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मोड वन। मोड वन को बोलते हैं हैंडशेक मोड और ये क्या है, इट इज फॉर पोर्ट ए एंड पोर्ट बी। ये जो मोड वन है इसमें पोर्ट सी की जो बिट्स होती है वो यूज होती है एज अ हैंडशेक सिग्नल। ये है मोड वन जिसको कि बोल सकते हैं हैंडशेक इनपुट आउटपुट मोड और दूसरा नाम है उसका स्ट्रोक इनपुट आउटपुट मोड। जब 8255 मोड वन में ऑपरेट होता है तो या तो वो ऑपरेट होगा इनपुट मोड में या तो होगा आउटपुट मोड में। अब जब हम बोलते हैं कि कोई भी पोर्ट इनपुट मोड में ऑपरेट होता है उसका मीनिंग होता है कि उस पोर्ट से डेटा रिसीव होगा, यानी वो पोर्ट इनपुट डिवाइस को कनेक्टेड होगा और डेटा ट्रांसमिट होगा फ्रॉम इनपुट डिवाइस थ्रू पोर्ट टू 8086 माइक्रोप्रोसेसर या कोई भी और माइक्रोप्रोसेसर। और जब हम बोलते हैं कि कोई भी पोर्ट आउटपुट मोड में ऑपरेट होता है उसका मीनिंग होता है कि उस पोर्ट से डेटा ट्रांसमिट होने वाला है, यानी कोई तो आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड किया हुआ है पोर्ट को और डेटा ट्रांसमिट होगा फ्रॉम प्रोसेसर टू आउटपुट डिवाइस थ्रू दिस पोर्ट। अब मोड वन में पोर्ट ए और पोर्ट बी दोनों यूज कर सकते हैं एज अ आउटपुट पोर्ट और तब पोर्ट सी की जो पिंस होती है वो यूज होगी एज अ हैंडशेक सिग्नल। अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अ सीपीयू यानी 8086 सीपीयू यानी प्रोसेसर वांट्स टू ट्रांसफर अ डेटा टू अ प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। जब 8086 को प्रिंटर पे डेटा भेजना है तो इन दिस केस सिंस स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज वेरी फास्ट, ये जो है 8086 ये बहुत फास्ट होता है और उसके कंपैरिजन में ये जो प्रिंटर है ये क्या होगा, स्लो होगा, प्रिंटर इज वेरी स्लो। तो बिफोर एक्चुअल डेटा ट्रांसफर यानी जब 8086 को इसमें डेटा ट्रांसफर करना है तो बिफोर डेटा ट्रांसफर इट विल सेंड हैंडशेक सिग्नल। वो क्या करता है, हैंडशेक सिग्नल भेजता है। अब वो हैंडशेक सिग्नल क्या होता है वो डिटेल में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। टू द प्रिंटर फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ स्पीड, वो हैंडशेक सिग्नल किस लिए होते हैं, तो दोनों का स्पीड मैच करने के लिए होते हैं। किस दोनों का स्पीड मैच करने के लिए, 8086 का और आउटपुट डिवाइस जो भी होगा यहाँ पे हमने लिखा है प्रिंटर। सिमिलरली जब हम लोग ये 8086 को किसी इनपुट डिवाइस से डेटा रिसीव करना होता है तो कोई भी दोनों भी पोर्ट, पोर्ट ए या पोर्ट बी हम लोग इनपुट मोड में यूज कर सकते हैं और उस टाइम पे पोर्ट सी के जो पिंस है मोड वन में दैट विल बी यूज्ड एज हैंडशेक सिग्नल। यानी मोड वन में क्या होता है कि पोर्ट ए और पोर्ट बी दोनों को हम लोग या तो आउटपुट मोड में यूज कर सकते हैं फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा, या तो इनपुट मोड में यूज कर सकते हैं फॉर रिसीविंग द डेटा, या तो एक को हम लोग इनपुट मोड में और एक पोर्ट को आउटपुट मोड में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन पोर्ट सी क्या करेगा, तो उस टाइम पे पोर्ट सी के पिंस जो है वो एज अ हैंडशेक सिग्नल यूज होते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस है और 8086 है, अगर कीबोर्ड को डेटा ट्रांसमिट करना है 8086 की तरफ तो उसमें भी क्या होगा, 8086 क्या है, फास्ट है डिवाइस और कीबोर्ड क्या है, स्लो है। तो दोनों का स्पीड मैच करने के लिए दोनों में सिंक्रोनिज्म होना चाहिए और उस सिंक्रोनिज्म के लिए ये हैंडशेक सिग्नल्स की जरूरत होती है। अभी देखते हैं कि मोड वन में कंट्रोल वर्ड रजिस्टर क्या होता है। अब कंट्रोल वर्ड रजिस्टर एक रजिस्टर होता है 8255 में, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूं, जो कि वो वर्ड होल्ड करता है और वो वर्ड क्या करता है पूरे 8255 के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। तो इनपुट आउटपुट मोड में ये कंट्रोल वर्ड कैसे होता है उसका ये फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट क्या बोलता है कि ये 8 बिट का रजिस्टर है, ये जो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है ये 8 बिट का रजिस्टर है जिसके बिट्स दिए हैं फ्रॉम D0 टू D7 और हर एक बिट पोजीशन का एक अलग मीनिंग है। हमने पहले देखा है अगर ये बिट 1 है तो 8255 इनपुट आउटपुट मोड में एंटर होता है और अगर ये बिट 0 है तो बिट सेट रीसेट मोड में एंटर होता है। तो अभी हम लोग मोड 1 इनपुट आउटपुट मोड पढ़ रहे हैं इसलिए ये बिट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए।
फिर ये जो दो बिट्स है वो किस लिए यूज होते हैं, तो ग्रुप ए जो है, ग्रुप ए यानी पोर्ट ए और पोर्ट सी अपर, ये ग्रुप ए में होते हैं, तो उनका मोड सिलेक्ट करने के लिए होते हैं। मोड सिलेक्ट करने के लिए यानी कैसे होंगे कि अगर हमें ग्रुप ए के पोर्ट ए को, सपोज पोर्ट ए को हमें मोड जीरो में एंटर करवाना है, यानी मोड जीरो में यूज करना है, तो दोनों बिट्स हो जाएंगे 0 0। अगर हमें मोड वन में यूज करना है तो ये होगा 0 और ये होगा 1, ये देखिए यहाँ पे। और अगर मोड टू में यूज करना है हमें पोर्ट ए को और पोर्ट सी अपर को, तो ये होगा बिट 1 और ये होगा डोंट केयर। डोंट केयर यानी या तो हो सकता है 0 या तो हो सकता है 1। अभी हम लोग मोड 1 में यूज करना है हमें, तो ऑब्वियसली हमारी ये बिट्स क्या होने चाहिए, ये होने चाहिए 0 और 1, तो ये हो जाएंगे। इस तरह से अभी हमें कंट्रोल वर्ड जनरेट करना है एज पर अवर रिक्वायरमेंट। अभी ये रिक्वायरमेंट क्या बोलती है, राइट कंट्रोल वर्ड फॉर पोर्ट ए एज इनपुट पोर्ट, यानी मोड वन में तो यूज कर रहे हैं लेकिन इनपुट पोर्ट एज ए इनपुट पोर्ट सेट करना है हमें पोर्ट ए को। तो पोर्ट ए को अगर इनपुट मोड में सेट करना है तो इसमें क्या डालना चाहिए, ये बिट पोजिशन पे 1 डालना चाहिए। अगर 1 डालेंगे तो हो जाएगा इनपुट मोड में सेट, और अगर 0 एंटर करेंगे तो हो जाएगा आउटपुट मोड में सेट। इसका मतलब क्या है, इनपुट मोड में किसी भी पोर्ट को सेट करना, इसका मतलब क्या है कि वी आर यूजिंग इट फॉर रिसीविंग द डेटा। इनपुट मोड में अगर हम पोर्ट को सेट करते हैं, इसका मतलब उस पोर्ट से हम डेटा रिसीव करना चाहते हैं, ये मीनिंग होता है। तो ये तो हमारा पहले ही डिसाइड हो जाएगा ना कि हम लोग अगर पोर्ट ए को इनपुट डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग पोर्ट ए को एज ए इनपुट पोर्ट यूज करना चाहते हैं। अगर हम पोर्ट बी को प्रिंटर से कनेक्ट करते हैं या एलईडी से कनेक्ट करते हैं, इसका मतलब हम पोर्ट बी से डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं। तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें ये पोर्ट्स को सेट करना होता है एज ए इनपुट या आउटपुट पोर्ट। है तो हमारा मोड वन ही जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो ये पोर्ट ए अभी इनपुट मोड में हमें यूज करना है, तो ये बिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर ये है पोर्ट सी अपर। पोर्ट सी अपर अभी यहाँ पे क्या लिखा है, पोर्ट सी अपर, पोर्ट सी अपर भी हमें इनपुट एज ए इनपुट मोड ही यूज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप ए है ना, तो इसलिए ये भी हो जाएगा 1। फिर ये क्या है, पोर्ट बी मोड सिलेक्शन, पोर्ट बी मोड सिलेक्शन। अब पोर्ट बी को हम लोग क्या करेंगे, मोड 0 में यूज करें या मोड 1 में, अभी हम मोड 1 पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग मोड 1 में सेट करेंगे। अगर मोड 0 पढ़ रहे होते तो हम इसको 0 में सेट करते, तो अभी ये 1 हो जाएगा क्योंकि मोड 1 के लिए यहाँ बिट होना चाहिए 1। और अभी पोर्ट बी को हमें कैसे यूज करना है, पोर्ट बी एज अ आउटपुट पोर्ट, आउटपुट के लिए ये बिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे 0। अब पोर्ट सी लोअर, पोर्ट सी लोअर को भी हम लोग यूज करेंगे एज अ आउटपुट पोर्ट, क्योंकि ये क्या है, ये है पार्ट ग्रुप बी का। लेकिन एक्चुअली मोड 1 में पोर्ट सी के जो पिंस होते हैं दैट आर यूज फॉर एज हैंडशेक सिग्नल्स, तो अभी फिलहाल के लिए इसे एज अ आउटपुट पोर्ट यूज करते हैं। अब हमारा कंट्रोल वर्ड क्या बना है, तो हमारा कंट्रोल वर्ड बना है 101 11 100, ये हो गया हमारा कंट्रोल वर्ड। अब ये क्या है, 101 11 10 है बी, और 1100 क्या है, 1100 है सी, तो हमारा कंट्रोल वर्ड क्या हो गया, बी सी। अब ये कंट्रोल वर्ड हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, तो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में ट्रांसफर करना है। ये तो फॉर्मेट है, ये क्या है, ये तो फॉर्मेट है कंट्रोल वर्ड का, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का। लेकिन अब ये वर्ड हमें एक्चुअली कंट्रोल वर्ड में ट्रांसमिट करना होता है, तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है। तो सबसे पहले ये वर्ड हम क्या करेंगे, हमारा वर्ड क्या था, बी सी था, तो सबसे पहले हम उसे AL रजिस्टर में ट्रांसमिट करते हैं, BC to AL. What this instruction says? Transfer this BC. BC is a hexadecimal word. This is a hexadecimal. Hex word into AL register. और अब हमें ये जो वर्ड है वो AL रजिस्टर से कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए हमारा इंस्ट्रक्शन होगा आउट कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, यहाँ पे कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का एड्रेस आएगा कॉमा AL. ये कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का एड्रेस हमें लिखना होता है, तो ये इंस्ट्रक्शन हो गया हमारा आउट कंट्रोल वर्ड रजिस्टर कॉमा AL, तो
तो ये क्या करेगा इंस्ट्रक्शन, AL में जो हमने BC ट्रांसफर किया है, BC क्या है, हमारा कंट्रोल वर्ड है, वो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में चला जाएगा और वो जाने के बाद इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली एज पर अवर रिक्वायरमेंट ये जो पोर्ट है ये एज अ इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट सेट हो जाएंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि पोर्ट ए इनपुट में ही हो या पोर्ट बी आउटपुट में ही हो या एक इनपुट में या एक आउटपुट में, हम दोनों को भी इनपुट पोर्ट एज अ इनपुट पोर्ट यूज कर सकते हैं, दोनों को भी एज आउटपुट पोर्ट यूज कर सकते हैं जब हम लोग उसे मोड वन में यूज करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी आर कनेक्टिंग टू दैट पर्टिकुलर पोर्ट। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, ये 8255 आईसी है जिसमें दो पोर्ट्स है, हमें पता है ये पोर्ट बी है और ये पोर्ट ए है। पोर्ट बी की 8 पिन्स होती है PB0 टू PB7 और पोर्ट ए की भी 8 पिन्स होगी PA0 टू PA7। अब यहाँ पे पोर्ट ए को हमने इनपुट डिवाइस कनेक्ट किया है तो इसलिए इस बस का डायरेक्शन कैसे है, ये इनकमिंग है रिसीविंग है, तो इस केस में हमारा पोर्ट ए हो जाएगा इनपुट पोर्ट और यहाँ पे पोर्ट बी को हमने क्या कनेक्ट किया है, प्रिंटर कनेक्ट किया है, तो इसलिए इस बस का डायरेक्शन कैसे है, यानी डेटा किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसलिए यहाँ पोर्ट बी क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट पोर्ट हो जाएगा। जब पोर्ट ए एज ए इनपुट पोर्ट यूज होता है तब ये होते हैं हमारे कंट्रोल सिग्नल्स या हैंडशेकिंग सिग्नल, आप बोल लीजिए एसटीबी बार यानी स्ट्रोब बार, इनपुट बफर फुल एंड INTR यानी इंटरप्ट, और जब हम लोग आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करते हैं तब हमारे हैंडशेकिंग सिग्नल होंगे आउटपुट बफर फुल एक्नॉलेजमेंट बार एंड INTR। अब देखिए जब ये एक्चुअली ये सिग्नल्स या फिर ये जो पिन्स है ये कौन सी पिन्स है, तो ये पोर्ट सी की पिन्स है। जब हम लोग पोर्ट ए यूज करते हैं तो पोर्ट सी की पिन नंबर 3, पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5 ये हैंडशेकिंग सिग्नल जनरेट करने के लिए यूज होती है, और जब हम लोग पोर्ट बी यूज करते हैं तो पोर्ट सी की पिन नंबर 0, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 यूज होती है एज अ हैंडशेक सिग्नल। अभी इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे ये 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, अगेन ये 8255 है, अब ये कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस, ये कनेक्टेड है पोर्ट ए से, क्यों, क्योंकि पोर्ट ए को हम एज ए इनपुट पोर्ट सेट कर चुके हैं, तो हम लोग अभी पोर्ट ए से क्या करेंगे, डेटा रिसीव करेंगे, यानी कीबोर्ड टू 8086 डेटा जो ट्रांसमिट होगा ये थ्रू पोर्ट ए ट्रांसमिट होगा। उसके लिए जैसे मैंने कहा है पोर्ट सी की पिन्स यूज किए हैं, PC3 पिन्स है INTR पिन, PC4 पिन है स्ट्रोब पिन, ये एक्टिव लो है यानी जब ये जीरो हो जाएगी वो एक्टिव होगी, और PC5 पिन है इनपुट बफर फुल पिन, ये एक्टिव हाई पिन है, दैट मीन्स जब ये 1 होगी तब ये एक्टिव होगी। अब ये होता है पिन्स का इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर यानी इनपुट बफर फुल ऑफ पोर्ट ए एंड स्ट्रोब्ड बार पिन ऑफ पोर्ट ए, ये जो पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5 है ये कनेक्टेड होती है एंड गेट से, और एंड गेट को और एक सिग्नल कनेक्टेड होता है INTE सिग्नल, और जब ये तीनों 1 हो जाएंगे, जब तीनों 1 होते हैं तो यहाँ से ये आउटपुट सिग्नल है ये जनरेट करता है इंटरप्ट सिग्नल। अब हमने पहले ही मैंने बोला है कि ये जो पिन्स है ये यूज्ड होती है एज अ हैंडशेकिंग सिग्नल, क्यों चाहिए ये हैंडशेकिंग सिग्नल, सो दैट वी कैन सिंक्रोनाइज द ऑपरेशन ऑफ 8086 एंड इनपुट डिवाइस, क्योंकि इनपुट डिवाइस स्लो डिवाइस है, 8086 फास्ट है। अब इनपुट डिवाइस को डेटा भेजना है, 8086 को यहां से डेटा रिसीव करना है, रीड करना है, लेकिन ऐसा ना हो कि 8086 डेटा रीड करता रहे और कीबोर्ड के पास डेटा रेडी ही ना हो, तो ये अवॉइड करने के लिए ये हैंडशेकिंग सिग्नल्स होते हैं। हैंडशेकिंग सिग्नल क्योंकि ये जो 8086 और कीबोर्ड है ये क्या है, सारे डिजिटल डिवाइस है, दे कैन नॉट कम्युनिकेट, सो दे कम्युनिकेट थ्रू दिस सिग्नल, यानी एक एक पिन पे एक एक बिट एक मैसेज भेजता है, कैसे भेजता है देखते वन बाय वन। अभी अश्यूम करो कि कीबोर्ड को ये 3 8 बिट के वर्ड्स जो है, ये पहला है FF,
फिर ये है ए और ये ए, 1010 यानी ए हेक्साडेसिमल में, और फिर से 1010 यानी ए, ये क्या है एफ एफ एंड ए ए और 00, सपोज ये तीन वर्ड्स है 8 बिट के, ये कीबोर्ड को अभी 8086 में ट्रांसमिट करने हैं। ट्रांसमिट करने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट होगा कंट्रोल वर्ड का, जो हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि कंट्रोल वर्ड हमारा निकल गया था बीसी, फिर वो बीसी हमने कहा कर दिया है एएल रजिस्टर में डाला मूव इंस्ट्रक्शन यूज करके, और फिर आउट इंस्ट्रक्शन यूज करके हमने वो एएल रजिस्टर से कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में ट्रांसमिट किया। अभी जब डेटा हमें इनपुट डिवाइस से 8086 में ट्रांसमिट करना है, तब हम लोग इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं इन इंस्ट्रक्शन। इन किया है पोर्ट ए का एड्रेस होगा, पोर्ट ए से एएल रजिस्टर में डेटा ट्रांसमिट होना चाहिए, यानी 8086 में यहाँ पे एएल रजिस्टर होगा, वहां पे जो डेटा है वो पोर्ट ए से, पोर्ट ए यानी यहाँ पे पोर्ट ए है, पोर्ट ए कहाँ होगा 8255 में, जो कि इनपुट बफर इसका यूज होने वाला है, वहां से डेटा ट्रांसमिट करना है हमें एएल रजिस्टर में। लेकिन इनपुट बफर में कौन डेटा ट्रांसमिट करेगा, तो कीबोर्ड करेगा ना, इनपुट डिवाइस तो कीबोर्ड है, तो सबसे पहले क्या करता है, ये सबसे पहले पहला वर्ड आपका ये बस पे अवेलेबल हो गया। ये क्या है बस, पोर्ट ए पिंस लिखा है, यानी यहाँ पे क्या होगी, तो पोर्ट ई की 8 पिंस होगी, और हर एक पिन पे ये स्टेटस होगा 1111111 स्टेटस, यानी क्या हर एक पिन पे 5 वोल्ट का लॉजिक अवेलेबल होगा, वोल्टेज अवेलेबल होगा। अब ये डेटा जब भी यहाँ पे पिंस पे अवेलेबल है, तो स्ट्रोब इज जनरेटेड बाय पेरिफेरल, पेरिफेरल यानी इनपुट डिवाइस, टू इंडिकेट दैट इट हैज ट्रांसमिटेड डेटा टू द इनपुट पोर्ट। यानी जब भी अभी कीबोर्ड में पहला ही वर्ड यहाँ पे भेज दिया है, अब ये डेटा यहाँ पिंस पे अवेलेबल है, तो ये कीबोर्ड क्या करेगा, पेरिफेरल डिवाइस क्या करेगा, स्ट्रोब सिग्नल पे, स्ट्रोब पिन पे ये जीरो ट्रांसमिट करेगा टू 8255। ये जीरो क्यों ट्रांसमिट किया, क्योंकि ये स्ट्रोब बार है, एक्टिव लो है। ये जीरो क्या इंडिकेट करता है कि डेटा अभी यहाँ पे अवेलेबल है पिंस पे और आप रीड कर लो। ये जैसे ही ये रिसीव करता है तो ये क्या करेगा, ये डेटा रीड कर लेगा और पोर्ट पे स्टोर हो जाएगा। ये क्या है, इनपुट बफर है, यानी इनपुट पोर्ट का बफर है। ओके, तो ये बफर में क्या हो गया, अभी ये जो वर्ड है ये स्टोर हो गया। अब बफर में जब ये वर्ड स्टोर हो गया, तो बफर तो हो गया हमारा फुल, अभी दूसरा डेटा कीबोर्ड को नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि अभी बफर में जगह नहीं है, बफर फुल है। जब बफर फुल होता है तो 8255 क्या करेगा, इनपुट बफर, ये इनपुट बफर है, इनपुट बफर फुल सिग्नल डिवाइस को भेजेगा, कीबोर्ड को भेजेगा। ये एक्टिव हाई है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, लॉजिक वन फ्लो होगा। क्यों भेज रहा है ये सिग्नल, क्योंकि इसका बफर अभी फुल है और अभी कीबोर्ड को नेक्स्ट वर्ड नहीं ट्रांसमिट करना है, इसलिए ये इनपुट बफर फुल सिग्नल इसने ट्रांसमिट कर लिया। जैसे ही इसने ये ये वन ट्रांसमिट कर लिया, ये स्ट्रोब सिग्नल को टेकआउट करेगा, यानी ये फिर से क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्योंकि पहले जीरो ट्रांसमिट किया था जस्ट टू इंडिकेट दैट कि पिंस पे डेटा अवेलेबल है, रीड कर लो। जैसे ही इसने डेटा रीड कर लिया, तो 8255 ने इनपुट बफर फुल एज अ एक्नॉलेजमेंट भेजा। जैसे ही इसने एक्नॉलेजमेंट रिसीव किया, इसने क्या किया, स्ट्रोब पिन को फिर से इनएक्टिव कर दिया, लॉजिक वन उसके ऊपर सेंड कर दिया। अब जब दोनों वन होते हैं, यानी स्ट्रोब बार पिन भी वन है आप देखिए, और इनपुट बफर फुल पिन पे भी वन है, तो यहाँ पे देखिए ये स्ट्रोब बार भी वन है और इनपुट बफर भी वन है और INT भी वन है और तीनों एंड गेट को कनेक्टेड है। जब तीनों वन हो गए, तो यहाँ से एक सिग्नल निकलेगा PC3 पिन से, जो होगा इंटरप्ट पिन, और वो क्या करेगा, इंटरप्ट करेगा 8086 को बाय सेंडिंग लॉजिक वन ऑन दिस INTR पिन। जब 8086 ये इंटरप्ट पिन पे लॉजिक वन रिसीव करता है, तब 8086 को समझ में आता है, ये इंडिकेशन है कि इनपुट बफर इज फुल, डेटा इज अवेलेबल इन द इनपुट बफर एंड इट इज रेडी टू रीड। यानी आप अभी ये डेटा बफर में जो फुल है, बफर में जो डेटा है वो अभी 8086 उसे रीड कर सकता है, तो उसका इंडिकेशन है ये।
तो ये क्या करेगा, 886 को समझ में आ गया कि अभी बफर में डेटा अवेलेबल है, तो ये पहले तो रीड सिग्नल ट्रांसमिट करेगा बाय सेंडिंग लॉजिक वन, और फिर क्या करेगा, ये डेटा रीड कर लेगा। जैसे ये रीड करेगा, ये बफर क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, और जैसे ही बफर एम्प्टी हो जाएगा, ये यहां से फिर से जीरो ट्रांसमिट करेगा। उसे क्या कर रहा है, वो इनएक्टिव कर रहा है, क्योंकि अभी फिर से इनपुट बफर क्या है, एम्प्टी है। ये जीरो ट्रांसमिट करना यानी इंडिकेशन क्या है कि इनपुट बफर अभी एम्प्टी है, और अभी कीबोर्ड नेक्स्ट वर्ड जो है, ये जो 1010 है, अब वो ट्रांसमिट कर सकता है। तो इस तरह से होता है ये कम्युनिकेशन। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट वर्ड कैसे ट्रांसमिट हो। अभी देखो कि ये पहला वर्ड अभी 886 के पास आ गया है, अभी दूसरा वर्ड ये कीबोर्ड को फिर से अभी 8255 में ट्रांसमिट करना है, तो फिर से प्रोसेस रिपीट होगा, सेम होगा। ये क्या करेगा, ये वर्ड ट्रांसमिट करेगा। अभी पिंस पे डेटा अवेलेबल है, पोर्ट बी पिंस नहीं, पोर्ट ए के ही पिंस है, ये गलती से बी रह गया यहाँ पे, ये पोर्ट ए ही है, तो यहाँ पे ये 1110 आ गया, ये आ गया। तो अभी ये स्ट्रोब सिग्नल ट्रांसमिट करेगा बाय सेंडिंग लॉजिक जीरो। जैसे ही 8255 रिसीव करता है, उसको समझ में आता है कि पिंस पे डेटा अवेलेबल है, तो ये बफर में स्टोर कर देगा। बफर में स्टोर कर दिया, अभी बफर फुल हो गया, तो 8255 इनपुट बफर फुल सिग्नल ट्रांसमिट करता है, इंडिकेटिंग दैट कि अभी नेक्स्ट बाइट मत भेजो, अभी बफर फुल है। जैसे ही इनपुट बफर फुल सिग्नल भेजता है, ये स्ट्रोब सिग्नल को इनएक्टिवेट करेगा और उसको वन कर देगा। जैसे ही अभी ये दोनों वन हो गए, जैसे ही ये दोनों वन हो जाते हैं, तो PC3 से इंटरप्ट सिग्नल ट्रांसमिट होगा। जब 886 ये वन रिसीव करता है एज ए इंटरप्ट सिग्नल, तो 886 को समझ में आता है कि अभी इनपुट बफर में फिर से डेटा अवेलेबल है, तो 886 अभी उसे रीड कर सकता है, तो फिर ये रीड सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और फिर ये रिसीव करेगा डेटा। रिसीव करने, रीड करने के बाद फिर से ये पोर्ट क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। जैसे ही ये पोर्ट एम्प्टी हो जाएगा, तो ये फिर से इनपुट बफर फुल सिग्नल पे जीरो ट्रांसमिट करेगा टू इंडिकेट दैट बफर इज एम्प्टी। जैसे ही ये फिर से बफर एम्प्टी का सिग्नल लेता है, तो ये क्या करेगा, ये क्या करता है, ये थर्ड वर्ड भेजेगा यहाँ पे, फिर से सेम रिपीटेशन होगा, फिर से स्ट्रोब सिग्नल जाएगा, फिर से ये रीड करेगा, फिर इनपुट बफर फुल सिग्नल जाएगा, फिर ये टेकआउट करेगा, फिर वन वन हो गए, फिर INTR जाएगा, फिर रीड सिग्नल जाएगा, और फिर थर्ड बाइट आएगा, और इस तरह से ये डेटा रीड करता रहेगा, और प्रोसेस क्या हो जाएगा, दोनों का ऑपरेशन जो 886 है और कीबोर्ड है, उसका स्पीड क्या हो जाएगा, सिंक्रोनाइज हो जाएगा। कोई एरर नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि कीबोर्ड के पास वर्ड्स ही अवेलेबल नहीं है, और 86 तो बहुत फास्ट है तो बार बार पढ़ रहा है, तो सेम ही वर्ड जो भी इनपुट बफर में है तो बार बार पढ़ता रहेगा, तो रिपीट हो जाएगा। तो ऐसा अवॉइड करने के लिए ये क्या है, फिर हैंडशेकिंग सिग्नल है। क्यों हैंडशेकिंग सिग्नल है, क्योंकि ये सिग्नल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये हो गया एज ए इनपुट पोर्ट। अब सेम वे से अगर हम लोग आउटपुट डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, अश्यूम करो कि LEDs हमने यहाँ पे कनेक्ट किए, तो यहाँ पे हमने अभी पोर्ट बी अश्यूम किया है कि हम लोग पोर्ट बी यूज करेंगे एज आउटपुट पोर्ट। तो जब पोर्ट बी यूज करते हैं हम लोग, तो हमारे हैंडशेकिंग सिग्नल जाएंगे PC1, PC2 और PC0 पिन से, जो कि पोर्ट सी की पिन है। अभी ये आउटपुट मोड में, आउटपुट मोड में यानी 886 को डेटा ट्रांसमिट करना है टू आउटपुट डिवाइस, तो उसके लिए ये हैंडशेकिंग सिग्नल से आउटपुट बफर फुल बार एंड एक्नॉलेजमेंट बार दोनों भी एक्टिव लो है, और INTR क्या है, एक्टिव हाई सिग्नल है। ये पोर्ट बी की पिंस है, जो PB0 टू PB7 ऑल पिंस विच आर ऑन द 8255 IC, और ये है आउटपुट पोर्ट का बफर। तो सबसे पहले क्या होगा, ये 886 को तीन वर्ड्स ट्रांसमिट करने हैं, पहले ये, फिर नेक्स्ट ये, एंड देन दिस। तो सबसे पहले 886 क्या करेगा, ये वर्ड, अभी ये राइट ऑपरेशन है, ये आउटपुट मोड में है, डेटा ट्रांसमिट ऑपरेशन है। तो आउटपुट बफर में ये डेटा 886 ने ट्रांसमिट कर लिया, अभी बफर फुल हो गया। बफर फुल होगा तो ये 8255 आउटपुट डिवाइस को सिग्नल भेजेगा बाय सेंडिंग लॉजिक जीरो। जीरो क्यों भेजा, क्योंकि ये एक्टिव लो है, बार है इसके ऊपर। ये जीरो इंडिकेट करता है कि बफर इज फुल, आउटपुट बफर इज फुल, F stands for फुल, आउटपुट बफर इज फुल, और अभी आप ये रीड कर सकते हो।
जैसे ही ये डिवाइस ये जीरो रिसीव करता है आउटपुट डिवाइस, तो ये क्या करेगा, डेटा रिसीव कर लेगा, रीड कर लेगा, और अभी आपका बफर क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। जैसे ही ये एम्प्टी भी हो गया और ये रीड भी कर लिया, तो ये एक्नॉलेजमेंट भेजता है। आउटपुट डिवाइस क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा बाय सेंडिंग लॉजिक जीरो ऑन दिस एक्नॉलेजमेंट पिन। एसी के बार अगेन ये एक्टिव लो है, ये जीरो इंडिकेट करता है कि जो भी बफर में डेटा था ये मैंने अभी रीड कर लिया है। अब ये जब एक्नॉलेजमेंट भेजता है तो ये क्या करेगा, ये आउटपुट बफर फुल पे जो जीरो भेजा था ये अभी एम्प्टी हो गया है। एम्प्टी हो गया तो अब ये क्या करेगा, वन ट्रांसमिट करेगा इंडिकेटिंग दैट नाउ इट इज एम्प्टी। जैसे ही एम्प्टी वाला सिग्नल भेजेगा ये एक्नॉलेजमेंट पे भी क्या करेगा, वन भेजेगा, क्योंकि ये टेकआउट करेगा सिग्नल, अभी इनएक्टिव करेगा। ये वन और वन होना यानी क्या होगा, ये दोनों पिन इनएक्टिव हो गई। ये एक्टिव कब होगी, जब इसमें जीरो फ्लो होगा तब ये एक्टिव होगी। अब ये वन वन हो जाएगी क्योंकि ये अभी इनएक्टिव हो गई है। जैसे ही दोनों वन वन हो जाएगा ये पीसी जीरो से इंटरप्ट सिग्नल निकलेगा और 886 ये वन रिसीव करता है। जैसे ही 886 ये वन रिसीव करता है तो 886 को समझ में आता है कि आउटपुट पोर्ट अभी एम्प्टी है, फुल नहीं है, और अभी मैं दूसरा जो डेटा है वो ट्रांसमिट कर सकता हूँ, यानी दूसरा जो वर्ड है वो मैं ट्रांसमिट कर सकता हूँ। और फिर वो राइट बार सिग्नल ट्रांसमिट करके ये डेटा इसके ऊपर राइट करेगा, फिर से ये डेटा राइट करेगा, फिर से वही सिग्नल्स निकलेंगे। लेकिन उसके पहले देखते हैं कि जब ये आउटपुट डिवाइस पे ये जो डेटा जाता है पहला वाला डेटा, और अगर ये एलईडीज कनेक्टेड है तो ये कुछ इस तरह से होता है। तो हमारा कंट्रोल वर्ड था बीसी, जो हमने पहले एल रजिस्टर में ट्रांसफर किया, फिर कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में ट्रांसफर किया। तो सपोज ये 8255 है, यहाँ पे 8086 है, और ये है हमारी पोर्ट बी की पिंस, ये PC0, PC1, PB2, सॉरी PB0, PB1 एंड PB2, और ये है PB3, 4, 5, 6, इस तरह से यहाँ पे होती है ये पोर्ट बी की पिंस। और अस्यूम करो कि पोर्ट बी पे, बी से लेके ये पोर्ट B7 तक, ये और एक चाहिए था यहाँ पे PB7, वहां तक हमने क्या किया है, ये एलईडीज कनेक्ट किए, यानी PB0 को ये एलईडी कनेक्ट किया है, 1 को ये, 2 को ये, 3 को ये, 4 को ये, एंड सो ऑन, इस तरह से हमने ये एलईडीज कनेक्ट किए हुए हैं। अब हमने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले हमने ये वर्ड भेजा था, ये तो हो गया हमारा कंट्रोल वर्ड, जो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में ये है 8255 में कंट्रोल वर्ड रजिस्टर होता है, इसमें ये बीसी चला गया। अब हमने ये FF जो था, ये FF है, ये ट्रांसमिट किया, तो ये इस तरह से बफर में चला जाएगा, पोर्ट में चला जाएगा। पोर्ट में जैसे ही जाता है, पोर्ट में क्या है, ये पिंस कनेक्टेड है, और ये पिंस को क्या है, एलईडीज कनेक्टेड है। इसका मतलब ये जो स्टेटस होता है ये कहाँ जाता है, तो एक्चुअली ये एलईडीज के आउटपुट डिवाइस के पिंस पे चला जाएगा। तो इस तरह से ये पिंस पे चला जाएगा, यानी इस एलईडी के पिन पे वन होगा। वन यानी क्या होता है, तो 5 वोल्ट होता है, और जब भी अगर ये एनोड है तो ये 5 वोल्ट ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, सारे एलईडीज ग्लो हो जाएंगे इस तरह से। तो ये तो हो गया एप्लीकेशन, जब हम डेटा इस तरह से ट्रांसमिट करते हैं। अब हम लोग फिर से ये प्रीवियस इसमें आएंगे, हम कहाँ पे थे, तो हम लोगों ने ये फर्स्ट वर्ड यहाँ पे ट्रांसमिट कर लिया था, और अभी हमें क्या करना है, सेकेंड यानी ये जो है ये ट्रांसमिट करना है। तो हम लोग थे उसके ऊपर, तो अभी देखते हैं कैसे होता है। ये सेकेंड वर्ड यहाँ पे चला गया, फिर ये हो गया, और ये सेकेंड वर्ड फिर से देखते हैं, यहाँ गया आउटपुट बफर में, फिर से वही रिपीट होगा। अभी बफर फुल हो गया तो आउटपुट बफर फुल सिग्नल फ्लो होगा। जैसे आउटपुट डिवाइस आउटपुट बफर फुल जीरो रिसीव करता है तो उसे समझ में आता है कि बफर में डेटा अवेलेबल है, तो ये डेटा रिसीव कर लेगा, डेटा रिसीव करेगा और बफर एम्प्टी हो जाएगा। जब जैसे ही डेटा इसने रीड कर लिया तो ये एक्नॉलेजमेंट भी भेजेगा कि मैंने अभी डेटा रीड कर लिया है। जैसे ही डेटा रीड कर लिया है उसे समझ में आता है तो आउटपुट बफर फुल क्या हो जाता है, सिग्नल इनएक्टिव हो जाता है, वन हो जाएगा। जब आउटपुट बफर फुल इनएक्टिव होगा तो एक्नॉलेजमेंट भी इनएक्टिव हो जाएगा, दोनों वन वन हो गए। अभी फिर से INTR सिग्नल निकलेगा। अभी 886 को समझ में आया कि बफर फिर से क्या है, एम्प्टी है, फुल नहीं है, तो
मुझे अभी थर्ड डेटा ट्रांसमिट करना चाहिए, तो राइट सिग्नल भेजेगा और थर्ड डेटा ट्रांसमिट करेगा, फिर से प्रोसेस रिपीट होगा, फिर से आउटपुट बफर, अभी बफर फुल है, फिर से आउटपुट बफर फुल सिग्नल निकलेगा, फिर से ये रीड करेगा, फिर बफर एम्प्टी होगा, एक्नॉलेजमेंट जाएगा, दोनों इनएक्टिव हो गए, फिर INTR, और इस तरह से ये डेटा क्या है एक के बाद एक वर्ड्स 886 ट्रांसमिट करेगा थ्रू आउटपुट पोर्ट टू द आउटपुट डिवाइस, जैसे कि हमने LEDs दिखाया है प्रीवियस एग्जाम्पल में। और ये है पोर्ट बी की, ऐसे अभी हमने आउटपुट पोर्ट पोर्ट बी यूज किया है, तो यहाँ पे PC0, PC1 और PC2 है, और ये भी यहाँ पे भी देखिए, जब भी PC1 और PC2 यानी एक्नॉलेजमेंट और आउटपुट बफर फुल जब दोनों वन हो जाते हैं और INT भी वन होता है, तो ये AND गेट के इनपुट्स है, तो AND गेट का आउटपुट वन होता है और INTR सिग्नल जनरेट होता है, तो ये होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, ये भी आपको याद रखना है। अगर हमने अब दूसरा वर्ड देखते हैं कि सेम है BC, और अब अगर हम दूसरा वर्ड ट्रांसमिट करते हैं यानी F0 अगर हम ट्रांसमिट करते हैं थ्रू पोर्ट B, तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये जहाँ पे 00 है तो ये LEDs क्या हो गए, ऑफ रह गए, और ये जो बाकी के LEDs है ये क्या हो गए हैं, ऑन हो गए हैं। हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम एक्सप्लेनिंग 8255 मोड 2, दैट इज बाय डायरेक्शनल स्ट्रोक मोड। नाउ हमें अभी पता है कि 8255 ऑपरेट्स इन टू मोड्स, कौन से टू मोड्स है, तो BSR मोड एंड इनपुट आउटपुट मोड। ये कंट्रोल वर्ड का फॉर्मेट है, अगर यहाँ पे जीरो होता है बिट D7 तो 8255 एंटर होता है BSR मोड में, और अगर यहाँ D7 1 है तो 8255 एंटर होता है इनपुट आउटपुट मोड में। अब इनपुट आउटपुट मोड भी 3 में क्लासिफाई किया गया है, मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2। हम प्रीवियस वीडियोस में BSR मोड, मोड 0 और मोड 1 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोड 2 ऑफ 8255। तो इसे बोलते हैं स्ट्रोक बाय डायरेक्शनल पोर्ट। मोड 2 में सिर्फ पोर्ट A यूज होता है, पोर्ट B या पोर्ट C को हम लोग मोड 2 में यूज नहीं कर सकते हैं। 5 बिट कंट्रोल पोर्ट PC3 टू PC7, ये जो पोर्ट सी के 5 बिट्स है PC3 टू PC7 यूज्ड फॉर जनरेटिंग एंड एक्सेप्टिंग हैंडशेक सिग्नल्स, यानी इसे कंट्रोल सिग्नल की तरह यूज किया जाता है। इन मोड 2 इट इज यूज्ड इन एप्लीकेशन सच एज डेटा ट्रांसफर बिटवीन टू कंप्यूटर्स। ये मोड 2 जो है, जब भी दो कंप्यूटर्स में डेटा ट्रांसफर होता है उस एप्लीकेशन में मोड 2 यूज किया जाता है। जब पोर्ट ए मोड 2 में यूज होता है तब पोर्ट बी आप मोड 0 या मोड 1 में यूज कर सकते हो। याद रखिए कि मोड 2 में पोर्ट बी हम लोग कभी भी यूज नहीं करते हैं, मोड 2 में सिर्फ पोर्ट ए यूज होता है, और जब पोर्ट ए मोड 2 में यूज होता है तब पोर्ट बी को हम लोग मोड 0 या मोड 1 में यूज कर सकते हैं। ये आप 886 माइक्रो कंट्रोलर देखिए, माइक्रो प्रोसेसर है, ये है हमारा 8255 प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, और ये है इनपुट आउटपुट डिवाइस। अगर हम पोर्ट ए को मोड 2 में कनेक्ट करते हैं तो इस तरह के कनेक्शंस होते हैं, ये जो है PC4, PC5, PC6 एंड PC7 पिन्स और बिट्स ऑफ पोर्ट सी आर यूज एज हैंडशेक सिग्नल्स फॉर डेटा कंट्रोल कम्युनिकेशन। ये जो डेटा बस है ये 8255 के डेटा बस में कनेक्टेड होगी। A0 और A1 एड्रेस पिन्स ऑफ 886 आर कनेक्टेड टू A1 एंड A2 पिन्स ऑफ 8255। 886 का राइट बार और रीड बार 8255 के रीड और राइट को कनेक्ट होगा। ये है चिप सिलेक्ट सिग्नल, अगर ये 8255 सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे होना चाहिए 0, और ये है इंटरप्ट पिन। अब 8255 जब हम मोड 2 में यूज करते हैं तो या तो वो ऑपरेट होगा एज अ इनपुट पोर्ट या एज अ आउटपुट पोर्ट। एज अ इनपुट पोर्ट में जब भी हम कोई भी पोर्ट डेटा रिसीव करने के लिए यूज करते हैं, यानी डेटा इस डायरेक्शन में फ्लो होता है थ्रू पोर्ट, तो उसको बोलते हैं पोर्ट इज ऑपरेटिंग एज इनपुट पोर्ट। और जब भी हम पोर्ट से डेटा ट्रांसमिट करते हैं, यानी डेटा इस डायरेक्शन में फ्लो होगा फ्रॉम प्रोसेसर टू आउटपुट डिवाइस थ्रू पोर्ट, तब उसे बोलेंगे कि पोर्ट इज ऑपरेटिंग इन आउटपुट पोर्ट।
अब ये कौन डिसाइड करेगा कि ये जो पोर्ट ए है ये इनपुट पोर्ट के जैसा यूज हो रहा है या आउटपुट पोर्ट के जैसा यूज हो रहा है, तो ये जो रीड राइट सिग्नल्स है वो डिसाइड करेंगे। अगर 8086 को डेटा ट्रांसमिट करना है, अगर 8086 को डेटा ट्रांसमिट करना है तो उसे बोलते हैं राइट ऑपरेशन। उस टाइम पे ये राइट बार सिग्नल होगा जीरो और आपका पोर्ट होगा आउटपुट पोर्ट। अगर 8086 को इनपुट डिवाइस से डेटा रिसीव करना है, अगर 8086 को इनपुट डिवाइस से डेटा रिसीव करना है तो उसे बोलते हैं रिसीव ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन। तब रीड बार आपका होगा जीरो, राइट बार होगा वन और उस टाइम पे पोर्ट होगा इनपुट पोर्ट, क्योंकि हम लोग उसे डेटा रिसीव करने के लिए यूज कर रहे हैं। अब ये है मोड टू बायडायरेक्शनल मोड और ये है हमारा कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का फॉर्मेट। जब भी हमें 8255 यूज करना होता है, हमें 8255 सबसे पहले इनिशिएट करना होता है, इनिशियलाइज करना होता है। कैसे करते हैं हम लोग 8255 को इनिशियलाइज? बाय एंटरिंग प्रॉपर कंट्रोल वर्ड इन द कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। तो जैसे कि ये मोड टू इनपुट आउटपुट मोड है, तो सबसे पहले हमारा D7 बिट क्या हो गया, ये हो गया है हमारा D7 बिट 1। उसके बाद हमें पोर्ट ए जो है ये यूज करना है मोड टू में एज अ इनपुट पोर्ट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये मोड सिलेक्शन के लिए ये दो बिट्स है D5 एंड D6। अगर मोड टू में हमें यूज करना है, मोड टू के लिए ये बिट होना चाहिए 1 और ये होना चाहिए डोंट केयर। डोंट केयर यानी या तो 0 कर दो या तो 1 कर दो। तो यहाँ हम कन्वीनियंस के लिए दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1 फॉर मोड टू। अब हमें पोर्ट ए जैसे कि यहाँ पे लिखा है एज अ इनपुट पोर्ट यूज करना है, यानी डेटा रिसीव करने के लिए यूज करना है। तो अगर इनपुट पोर्ट के जैसे यूज करना है तो ये बिट क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। अब पोर्ट सी की जो बिट पिन्स है, एक्चुअली ये यूज होती है एज अ हैंडशेक पिन्स। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग इसे करते हैं एज अ आउटपुट पिन्स और इसको हम लोग इसलिए 0 कर देंगे। फिर ग्रुप बी में यानी पोर्ट बी को लिखा है यहाँ पे एज अ आउटपुट पोर्ट, आप यूज करो इन मोड 0। अब पोर्ट बी को हम मोड टू में यूज ही नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्रोविजन भी नहीं है। मोड 0 के लिए 0 है, मोड 1 के लिए 1 है, तो मोड 0 में यूज करना है तो इसे 0 कर देंगे। फिर पोर्ट बी को आउटपुट पोर्ट के जैसे यूज करना है, डेटा ट्रांसमिट के लिए यूज करना है, तो हम लोग यहाँ पे 0 कर देंगे। फिर पोर्ट सी लोअर, इसको भी आउटपुट के जैसे सेट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब हमारा कंट्रोल वर्ड हो गया 1111000 यानी F0 और ये F0 अब हमें कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में डालना होगा। तो कंट्रोल वर्ड हो गया हमारा F0 और उसे हमें अभी कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में स्टोर करना है, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस होगी। सबसे पहले हम लोग ये F0 AL रजिस्टर में ट्रांसफर करेंगे और AL रजिस्टर में ट्रांसफर करने के बाद इंस्ट्रक्शन लिखेंगे आउट कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का एड्रेस AL। तो ये इंस्ट्रक्शन जो F0 AL रजिस्टर में है वो कहाँ ट्रांसफर कर देगी, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में ट्रांसफर कर देगी। अब यहाँ पे ये हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें कि हमने ये पोर्ट ए जो है इन मोड टू और इनपुट पोर्ट के जैसे हमें यूज करना है। तो उसके लिए हमने पहले ही कंट्रोल वर्ड लिखा था जो हमारा आया था F0 और फिर ये हो जाएगा मूव AL F0 आउट कंट्रोल वर्ड रजिस्टर एड्रेस AL, ये पहले ही हमने कर लिया है। और फिर हमें क्या करना है, इन AL, port A एड्रेस, यानी पोर्ट ए में जो भी है ये हमें AL रजिस्टर में ट्रांसफर करना है। AL रजिस्टर कहाँ है, 8086 माइक्रो प्रोसेसर में है। तो अगर हमें ये डेटा जो इनपुट डिवाइस में है ये और रीड करना है, तो हम लोग उतनी बार ये इन इंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यूज करेंगे एवरी टाइम इट विल ट्रांसफर वन वर्ड फ्रॉम पोर्ट टू AL रजिस्टर। तो डेटा ट्रांसफर और ये हैंडशेकिंग सिग्नल कैसे यूज होते हैं वो देखते हैं। व्हेन पोर्ट ए है हमारा इन मोड टू इनपुट पोर्ट, तो सबसे पहले ये डेटा ट्रांसफर होगा। तो ये डेटा ट्रांसफर हो गया और ये नाउ दिस डेटा इज अवेलेबल ऑन पोर्ट ए पिंस। पोर्ट ए की पिंस है 8 पिंस है PA0 to PA7। अब ये इनपुट डिवाइस ने डेटा ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है और डेटा अवेलेबल है पोर्ट ए के पिंस पे।
जैसे ही ये डेटा अवेलेबल हो जाता है पोर्ट ए के पिंस पे, तो ये इनपुट डिवाइस स्ट्रोब सिग्नल भेजेगा 8255 को टू इंडिकेट दैट डेटा इज अवेलेबल ऑन पिंस, कि डेटा पिंस पे अवेलेबल है, अभी उसे रीड कर दो। जैसे ही ये 8255 ने ये स्ट्रोब सिग्नल पे, ये एक्टिव लो है इसलिए जीरो ट्रांसमिट करेगा, तो जैसे ही ये स्ट्रोब सिग्नल रिसीव करता है तो 8255 क्या करेगा, पिंस पे जो डेटा है वो रीड कर लेगा। और अभी ये कहाँ स्टोर हो गया है, पोर्ट ए का जो इनपुट बफर है इसमें ये स्टोर हो गया है। अब ये पोर्ट ए का इनपुट बफर फुल हो गया है क्योंकि इसमें डेटा है, तो ये 8255 ये इनपुट बफर फुल, जो कि एक्टिव हाई सिग्नल है, बार नहीं है इसके ऊपर, तो ये लॉजिक वन ट्रांसमिट करेगा टू इनपुट डिवाइस टू इंडिकेट दैट इनपुट बफर इज फुल। अब ये फुल है, दूसरा डेटा इसे नहीं भेजना है जब तक ये एम्प्टी नहीं होता। इसके बाद ये क्या करेगा, ये स्ट्रोब सिग्नल जो इसने पहले भेजा था ये इनएक्टिवेट करेगा बाय सेंडिंग लॉजिक वन। इनएक्टिव क्यों किया उसने, क्योंकि ये जो डेटा है जो पिंस पे था वो ऑलरेडी 8255 रीड कर चुका है। जब रीड कर चुका है और इनपुट बफर फुल सिग्नल इसने रिसीव कर दिया, इसमें समझ में आया कि डेटा रीड हो चुका है, तो इसने ये एसटीबी सिग्नल क्या हो गया, इनएक्टिव कर दिया बाय ट्रांसमिटिंग लॉजिक वन ऑन दिस पिन। जब ये दोनों 1-1 हो जाएंगे तो ये क्या करेगा, 8255 इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करेगा और 8086 को ट्रांसमिट करेगा। जब 8086 रिसीव्स दिस वन ऑन इंटरप्ट, इट अंडरस्टैंड्स दैट द बफर इज फुल एंड आई कैन रीड द डेटा। यानी 8086 को अभी समझ में आ गया कि डेटा बफर में अवेलेबल है तो मुझे अभी ये रीड करना है, तो 8086 क्या करेगा, ये रीड सिग्नल भेजता है और ये डेटा रीड कर लेगा। और अब जैसे ही 8086 में ये डेटा ट्रांसफर हो गया, ये क्या हो गया, बफर एम्प्टी हो गया। बफर एम्प्टी हो गया तो अभी इनपुट बफर फुल जो सिग्नल पहले इसने 1 भेजा था, अब इसके ऊपर ये 0 भेजेगा टू इंडिकेट दैट बफर इज एम्प्टी। जैसे ही इनपुट डिवाइस ने ये एम्प्टी का सिग्नल रिसीव किया, इट विल ट्रांसमिट नेक्स्ट डेटा एंड एंटायर प्रोसेस विल कंटिन्यू। तो इस तरह से ये डेटा कम्युनिकेशन होगा व्हेन 8255 पोर्ट ए इज इन मोड टू इनपुट मोड। अब देखते हैं सेम, अभी पोर्ट ए आपका मोड टू में लेकिन आउटपुट मोड में है, यानी 8086 से थ्रू पोर्ट आउटपुट डिवाइस को डेटा ट्रांसमिट करना है, तो कंट्रोल वर्ड थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि अभी हमारा क्या है, पोर्ट ए हमने आउटपुट मोड में कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा E0। आप एक बार कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट देख लीजिए, तो कंट्रोल वर्ड हो गया E0, फिर से E0 AL रजिस्टर में ट्रांसफर किया, फिर उसको कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में ट्रांसफर किया बाय यूजिंग आउट इंस्ट्रक्शन। अब इसे 8086 को ये FF डेटा ट्रांसफर करना है, तो पहले ये क्या करेगा, FF AL रजिस्टर में ट्रांसफर करेगा और फिर इंस्ट्रक्शन यूज करेगा आउट पोर्ट ए का एड्रेस कॉमा AL, यानी AL में जो भी डेटा है वो पोर्ट ए में जाएगा। उसके बाद उसको 00 ट्रांसफर करना है, तो उसके बाद उसने 00 AL रजिस्टर में ट्रांसफर किया और फिर सेम इंस्ट्रक्शन यूज किया आउट पोर्ट ए का एड्रेस कॉमा AL। उसके बाद उसे F0 ट्रांसफर करना है, तो उसने F0 ट्रांसफर किया AL में, पहले हमेशा डेटा AL से पोर्ट में जाएगा, तो पोर्ट में भेजने से पहले डेटा AL में ट्रांसफर करना जरूरी है। तो ये जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो देखते हैं कि ये हैंडशेकिंग सिग्नल्स और डेटा कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो 8086 पहला डेटा आउटपुट बफर में डालेगा, ये आउटपुट पोर्ट बफर है, ये पोर्ट ए का ही बफर है, दिस इज पोर्ट ए बफर ओनली। तो सबसे पहले 8086 में ये डेटा आउटपुट पोर्ट बफर में चला गया। अब ये बफर फुल हो गया, आउटपुट बफर फुल हो गया, तो 8255 विल ट्रांसमिट अ सिग्नल ऑन आउटपुट बफर फुल पिन। अब ये आउटपुट बफर फुल ये बार है यानी एक्टिव लो है, तो ये जीरो ट्रांसमिट करेगा टू इंडिकेट दैट आउटपुट बफर इज फुल। तो आउटपुट डिवाइस को ये बता रहा है कि अभी बफर में डेटा है, आप रीड कर लो, तो आउटपुट डिवाइस क्या करेगा, ये डेटा रीड कर लेगा। रीड करने के बाद आउटपुट डिवाइस उसका एक्नॉलेजमेंट भेजेगा टू 8255, यानी मैंने डेटा रीड कर लिया है, ये 8255 को पता होना चाहिए, तो आउटपुट डिवाइस विल ट्रांसमिट एक्नॉलेजमेंट ऑन ACK पिन। ACK भी एक्टिव लो है तो इसलिए इसने जीरो ट्रांसमिट किया टू इंडिकेट दैट कि ओके मैंने डेटा रीड कर लिया है।
अब डेटा रीड कर लिया है, जो आउटपुट बफर पहले फुल था अभी एम्प्टी हो गया है, एम्प्टी हो गया तो ये सिग्नल इनएक्टिव होना चाहिए, जो पहले जीरो भेजा था अब यहाँ पे वन जाना चाहिए। जैसे ही ये इसने वन भेज दिया तो इसने एक्नॉलेजमेंट को भी क्या कर दिया, ये एक्नॉलेजमेंट सिग्नल को भी इनएक्टिव कर देगा। अब ये जब दोनों वन वन है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये दोनों इनपुट्स जब वन वन है, आउटपुट बफर फुल एंड एसी के, ये हमेशा होते हैं एंड गेट की इनपुट्स, ये जब दोनों वन वन होंगे तो इट विल जनरेट दिस इंटरप्ट पिन। आप देख सकते हो ये इंटरप्ट पिन इस तरह से जनरेट करेगा। अभी 8086 जब ये INTR इंटरप्ट सिग्नल रिसीव करता है तो 8086 को समझ में आता है कि अभी फिर से बफर एम्प्टी हो गया और मैं नेक्स्ट डेटा उसके ऊपर ट्रांसमिट कर सकता हूँ। तो 8086 विल ट्रांसफर अ राइट बार सिग्नल विच इज एक्टिव लो, ये राइट बार है एक्टिव लो है, इसके ऊपर ये जीरो भेजेगा एंड देन इट विल ट्रांसमिट अ नेक्स्ट डेटा ऑन द आउटपुट पोर्ट, और फिर से सेम सिग्नल्स का कम्युनिकेशन होगा। अगेन इट विल ट्रांसमिट आउटपुट बफर फुल एंड देन अगेन इट विल रीड द डेटा, देन इट विल सेंड अगेन एक्नॉलेजमेंट, देन अगेन इट विल टेक आउट दिस सिग्नल, इट विल टेक आउट ACK, अगेन इट विल सेंड नेक्स्ट INTR एंड देन इट विल सेंड नेक्स्ट डेटा। एंड इन दिस वे द कम्युनिकेशन बिटवीन 8086, 8255 एंड आउटपुट डिवाइस टेक्स प्लेस। तो ये कंट्रोल वर्ड डिसाइड करता है कि पोर्ट आपका इनपुट पोर्ट है, डेटा रिसीव करने वाला है या ट्रांसमिट करने वाला है। आपको इतना याद रखना है कि जब पोर्ट ए मोड टू में है तो पोर्ट बी मोड जीरो या मोड वन में ही होना चाहिए, मोड टू में कभी भी पोर्ट बी नहीं होता है। अब ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं कि 8086 है, ये कंट्रोल वर्ड रजिस्टर लिख लिया है यहाँ पे E0, क्योंकि आउटपुट में यूज करना है पोर्ट ए, तो ये कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में ये कंट्रोल वर्ड चला गया। जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया मूव E0, AL, E0 से AL में गया, फिर आउट कंट्रोल वर्ड रजिस्टर एड्रेस AL, ये CWR नहीं होता है, हमेशा कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का एड्रेस हम यहाँ पे लिखते हैं AL। इस इंस्ट्रक्शन से ये जो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है ये कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में चला जाएगा। और अब अगर हमें अभी यहाँ पे FF लिखा है और एक्चुअली यहाँ पे दूसरा ही डेटा आ गया है, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो जो भी डेटा हमें वो LEDs को ट्रांसफर करना है वो पहले AL रजिस्टर में डालेंगे और फिर आउट पोर्ट A का एड्रेस AL इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये जो भी डेटा है ये कहाँ चला जाएगा, ये इस तरह से चला जाएगा LEDs पे, पोर्ट A में जाएगा, पोर्ट A से जाएगा ये LEDs के ऊपर, और जो भी जहां भी वन वन है, अगर यहाँ पे एनोड्स कनेक्टेड है पिंस को, अगर LEDs के एनोड कनेक्टेड है तो वो ग्लो हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस होंगे, और जहां पे भी जीरो जीरो है वो LEDs क्या हो जाएंगे, ऑफ रहेंगे। तो ये हो गया एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम एक्सप्लेनिंग 8086 8255 इंटरफेस। तो देखते हैं 8255 प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस 8086 को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। तो जब भी हम लोग कोई भी इंटरफेसिंग डिवाइस प्रोसेसर को कनेक्ट करते हैं तो प्रोसेसर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में हमें रखना है और डिवाइसेज जो है वो राइट हैंड साइड में रहेंगे। ये 8255 आईसी आप देख रहे हैं, इसमें कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है और 3 पोर्ट्स होता है, पोर्ट ए, पोर्ट बी एंड पोर्ट सी, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये है 8086। अब 8086 operates in two modes, we know that in minimum mode and maximum mode. जब भी सिस्टम में एक ही 8086 होता है तब उसे बोलते हैं कि 8086 is operating in minimum mode, और जब सिस्टम में एक से ज्यादा processors होते हैं तो उसे बोलते हैं 8086 operating in maximum mode. अब जो ये connection हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं 8086 operating in minimum mode interfacing to 8255 in IO mapped IO. IO map IO यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जब प्रोसेसर इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरह ही ट्रीट करता है तो उसे बोलते हैं IO map IO। तो देखते हैं सबसे पहले कनेक्शन कैसे करना है। जैसे कि मैंने कहा है कि 8086 इज ऑपरेटिंग इन मिनिमम मोड, तो उसे सबसे पहले ब्रीफ में एक रिविजन कर लेते हैं कि हाउ 8086 ऑपरेट्स इन मिनिमम मोड और क्या हम उसे कनेक्ट करते हैं। So these are three pins of 8086, that is ready, clock and reset, और left hand side में हम लोग उसे connect करते हैं 8284 clock generator IC। ये clock generator IC को यहाँ पे X1 and X2 two inputs है और यहाँ पे है crystal oscillator। ये crystal oscillator ये IC को एक
क्लॉक सिग्नल देता है. सपोज इस क्लॉक सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है 15 मेगाहर्ट्ज. सो व्हाट दिस 8284 डज, इट डिवाइड्स दिस फ्रीक्वेंसी बाय 3, और 3 से डिवाइड करने के बाद जो बचा हुआ फ्रीक्वेंसी है से 5 मेगाहर्ट्ज वो एक्चुअली अप्लाई होगा 8086 के क्लॉक पिन को. इसका मतलब है अगर 8086 को हमें यहाँ 10 मेगाहर्ट्ज चाहिए तो यहाँ क्रिस्टल ऑसिलेटर जनरेटेड क्लॉक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 30 मेगाहर्ट्ज एंड सो ऑन. उसी तरह से 8284 का रेडी 8086 के रेडी से और रीसेट 8086 के रीसेट से कनेक्टेड होगा. अब देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या कनेक्शन करनी है, यानी 8086 के राइट हैंड साइड में क्या होगा. तो सबसे पहले यहाँ पे है ऑक्टल लैच, दैट इज 8282 ऑक्टल लैच. इसलिए यूज होता है ये ऑक्टल लैच. अब हमें पता है कि 8086 में AD0 टू AD15 इट इज एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स बस. एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स बस है, इसका मतलब इन द बिगिनिंग दैट बस कैरीज एड्रेस. इनिशियली वो एड्रेस कैरी करती है बस, और लेटर सेम बस पे, बस यानी क्या है, बंडल ऑफ वायर्स, उसी वायर्स पे फ्लो होता है डेटा. तो जब उस बस पे डेटा फ्लो हो तो एड्रेस कहीं लॉस्ट ना हो जाए, इसलिए वो एड्रेस स्टोर किया जाता है, लैच किया जाता है 8282 ऑक्टल लैच में. ये लैच आईसी है, एक आईसी 8 बिट को ही सिर्फ स्टोर कर सकती है. अब हमारा एड्रेस साइज है 20 बिट का, 8086 का एड्रेस साइज है 20 बिट का, और इसलिए 20 बिट एड्रेस स्टोर करने के लिए हमें ऑक्टल लैच कितनी चाहिए, तो 3 ऑक्टल लैचेस की जरूरत होती है. यहाँ दिया हुआ है AD0 टू AD15, और यहाँ अभी देख नहीं पा रहे हम लोग, ये है A16 टू A19, यानी पूरा A0 टू A19, यानी 20 बिट एड्रेस बस. अब ये एड्रेस बस है कनेक्टेड ऑक्टल लैच से, और 8086 का एड्रेस लैच एनेबल जो आउटपुट है, जो एनेबल करता है यानी इस ऑक्टल लैच को एक्टिवेट करता है, ट्रिगर करता है, वो कनेक्टेड है ऑक्टल लैच के स्ट्रोब इनपुट से. और ऑक्टल लैच से जो एड्रेस लाइंस निकलती है, 8086 का जो दो एड्रेस लाइंस है A1 एंड A2, ये कनेक्ट किया गया है 8255 में. दो एड्रेस लाइंस है A0 एंड A1 उसके साथ. हमें पता है 8255 का जो A0 और A1 लाइंस होता है, पिंस होता है, वो क्या सिलेक्ट करता है, तो वो पोर्ट AB और C सिलेक्ट करता है. दोनों 00 है तो करेगा पोर्ट ए, 01 के लिए पोर्ट बी, 10 के लिए पोर्ट सी, और दोनों 11 है तो सिलेक्ट करता है कंट्रोल वर्ड रजिस्टर. ये A0 और A1 कनेक्टेड है 8086 के A1 और A2 एड्रेस बस के साथ. अब यहाँ पे और दो ICs हम देख सकते हैं, दिस इज 8286 बस ट्रांस रिसीवर. ये सिर्फ बफर ICs है. दिस ICs आर यूज टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो. अब डेटा फ्लो कहाँ कहाँ से होता है, तो 8086 हो सकता है 8255 में डेटा ट्रांसफर करे, यानी जो भी डिवाइसेस 8255 को इस साइड में कनेक्टेड है वहां डेटा ट्रांसफर करे, या तो 8086 रिसीव करेगा डेटा फ्रॉम एनी डिवाइस कनेक्टेड टू 8255, यानी या तो डेटा 8086 ट्रांसमिट करेगा 8255 को, या तो डेटा रिसीव करेगा. तो रिसीव ऑपरेशन को बोलते हैं रीड ऑपरेशन, और ट्रांसमिट ऑपरेशन को बोलते हैं राइट ऑपरेशन. तो उसके लिए ये बस डायरेक्शन डिसाइड करती है कि डेटा किस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, और यहाँ से इस आईसी से होके डेटा फ्लो होता है, और इसलिए 8086 का डेटा बस जो है वो इस आईसी को कनेक्टेड होगा. और जो रिमेनिंग यहाँ से निकला हुआ है D0 टू D7, ये 8255 के डेटा बस बफर ब्लॉक से कनेक्टेड होती है. डेटा बस 8 बिट डेटा बस वो है कनेक्टेड 8286 बस ट्रांस रिसीवर के डेटा बस से. अब यहाँ पे ये जो है पिन DEN बार, यानी डेटा एनेबल बार, विच इज कनेक्टेड टू OE बार ऑफ 8286 बस ट्रांसरिसीवर. ये पिन यूज किया जाता है 8286 बस ट्रांसरिसीवर को एक्टिवेट करने के लिए, स्विच ऑन करने के लिए. ये एक्टिव लो है, इसलिए जब यहाँ पे जीरो फ्लो होगा तभी ये आईसी एक्टिवेट होगी. अब डेटा साइज है 16 बिट का, इसलिए दो आईसी यूज किया हुआ है. डेटा ट्रांसमिट स्लैश रिसीव बार पिन ऑफ 8086 इज कनेक्टेड टू द ट्रांसमिट पिन ऑफ 8286. ये जो है डेटा ट्रांसमिट स्लैश रिसीव बार, दिस पिन डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो. किस तरह से डेटा फ्लो का डायरेक्शन ये डिसाइड करती है, जब यहाँ पे 8086 को डेटा रिसीव करना है 8255 से, तो ये रीड बार होगा जीरो, दिस इज रिसीव.
तो ये रीड ऑपरेशन है, तो यहाँ ये एक्टिव लो है रीड ऑपरेशन, तो यहाँ ट्रांसमिट करेगा 8860 ऑन दिस पिन। और अगर 8086 को डेटा राइट करना है 8255 में, तो यहाँ पे ये ट्रांसमिट ऑपरेशन हो जाता है, ट्रांसमिट है एक्टिव हाई, तो 8086 इस पिन पे ट्रांसमिट करेगा लॉजिक वन। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं रीड ऑपरेशन। अब नीचे ये कनेक्टेड है 3:8 डिकोडर। 3:8 डिकोडर में 3 इनपुट्स कनेक्ट किया गया है, मेमोरी स्लैश आईओ बार, राइट बार एंड रीड बार। अब ये मेमोरी एक्टिव हाई है, आईओ बार एक्टिव लो है। 8255 जो है ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ये मेमोरी डिवाइस नहीं है। तो ये हो गया आईओ ऑपरेशन। जब भी आईओ ऑपरेशन होगा तो ये होना चाहिए जीरो। अब जैसे कि मैंने बोला है कि 8086 या तो रीड करेगा या राइट करेगा, तो ये मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट, ये चार सिग्नल जनरेट करेगा 3:8 डिकोडर, डिपेंडिंग ऑन ये तीन जो पिन्स है, ये थ्री पिन्स है 8086 के, उसमें 8086 क्या ट्रांसमिट करता है, लॉजिक बिट्स। मेमोरी अगर कनेक्टेड है 8086 से तो ये वन होना चाहिए। अब हमने ये 8255 कनेक्ट किया है, 8255 है इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब 8255 इनपुट आउटपुट डिवाइस है तो इस पिन पे फ्लो होना चाहिए लॉजिक जीरो, क्योंकि आईओ बार है जो एक्टिव लो है। अगर 8086 रीड ऑपरेशन कर रहा है यानी डेटा रिसीव कर रहा है, तो रीड पे जाना चाहिए जीरो और राइट पे होना चाहिए वन। और अगर 8086 डेटा ट्रांसमिट कर रहा है यानी राइट ऑपरेशन कर रहा है, तो ये होना चाहिए वन और ये होना चाहिए जीरो। याद रखिए, एट ए टाइम या तो रीड बार जीरो होगा या राइट बार जीरो होगा, या दोनों एट ए टाइम वन नहीं हो सकते, या दोनों एट ए टाइम जीरो नहीं हो सकते। अब ये रीड ऑपरेशन है तो रीड पे जाएगा जीरो और राइट पे जाएगा वन। अब ये 3:8 डिकोडर ये चार डिफरेंट सिग्नल जनरेट करता है, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड एंड इनपुट आउटपुट राइट। 8255 ये आईओ डिवाइस है, इसे भी दो इनपुट है, रीड बार और राइट बार। ये 8255 के पिन्स होते हैं, रीड राइट कंट्रोल लॉजिक ब्लॉक में अटैच। इसलिए इसने जनरेट किया हुआ आईओ राइट पिन जो है वो 8255 के राइट बार पिन से कनेक्टेड होगा, और इसने जनरेट किया हुआ आईओ रीड जो सिग्नल है, दोनों एक्टिव लो है, वो कनेक्टेड होगा 8255 के रीड बार पिन से। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो सिग्नल जनरेट करेगा, एड्रेस जनरेट करेगा। अब ये यहां से एड्रेस फ्लो होगा, ये एड्रेस बस है A0 to A19। अब ये एग्जांपल लिया है, ये कोई भी एड्रेस हो सकता है, तो ये एड्रेस जनरेट होगा 20020 बिट एड्रेस यहां से जनरेट हुआ है। इसके साथ ही ALE ने एक पल्स भेजा है ऑक्टल लैच को टू एक्टिवेट द ऑक्टल लैच। आप फिर से एक बार देखिए, तो ALE से ये एक पल्स ट्रांसमिट हुआ है। जैसे ही ऑक्टल लैच ये स्टॉप पिन पे ये पल्स रिसीव करता है, तो ये जो एड्रेस एड्रेस बस पे है, ये क्या करेगा, अंदर लॉक कर देगा। आप देख लीजिए यहाँ पे, अभी ये लॉक कर देगा और ये स्टोर हो जाएगा एड्रेस। जैसे ही ये एड्रेस यहाँ स्टोर हो गया, नाउ दिस बस इज अवेलेबल फॉर डेटा फ्लो। अभी सेम बस से डेटा फ्लो हो सकता है और एड्रेस लॉस्ट भी नहीं हो रहा है। अभी नेक्स्ट क्या होगा, तो आप देख सकते हैं ये रीड ऑपरेशन हम पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ से जीरो ट्रांसमिट किया। फिर से एक बार देखिए, यहाँ से ट्रांसफर हुआ है जीरो। फिर एनेबल करना है 8286, इसलिए DEN बार पे भी ट्रांसमिट हुआ है जीरो। जब यहाँ पे जीरो ट्रांसमिट होता है, यहाँ से IO रीड बार भी फ्लो हुआ है। फिर से एक बार देखिए, एट द सेम टाइम DEN एंड IO रीड इज फ्लोइंग एट द सेम टाइम। क्योंकि ये इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन है, तो ये जो डिकोडर है ICA 3:8 डिकोडर, इट विल जनरेट इनपुट आउटपुट रीड सिग्नल, ये एक्टिव लो है, और इसलिए इसने भी यहाँ पे क्या ट्रांसमिट किया है, लॉजिक जीरो। तो यहाँ का जीरो इस आईसी को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, और ये इंडिकेट करता है कि 8086 वांट्स टू रीड। कुछ भी रीड हो सकता है, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, पोर्ट ए से कनेक्ट है, बी से है, सी से है, जो भी है वो उसे रीड करना है। तो ये हो गया मिनिमम मोड का डिटेल्स एंड हाउ आर द कनेक्शंस बिटवीन 8255 एंड 8086। अभी सेम थिंग हम लोग और डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो ये सेम है, यहां तक का डायग्राम हमने अब तक समझ लिया है कि किस तरह से कम्युनिकेशन होता है। अब लोग अश्यूम करते हैं कि इसे एक डेटा ट्रांसमिट करना है 8255 को।
अब यहाँ पे डिटेल में देखिए, ये है मेन बस A0 टू A19, लेकिन उसमें से ये जो A1 पिन है, यानी A1 एड्रेस बस है और A2 एड्रेस बस है, ये कनेक्टेड है 8255 के A0 और A1 पिन से। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि A0 एंड A1 आर यूज्ड टू सिलेक्ट द पोर्ट्स, पोर्ट ए बी सी एंड कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। और ये जो D0 टू D7 है, ये इसके डेटा बस से कनेक्टेड है। इनपुट आउटपुट रीड है, रीड बार से कनेक्टेड है। इनपुट आउटपुट राइट है, राइट बार से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे और एक चीज है, CS बार यानी चिप सिलेक्ट बार। अब अगर सिस्टम में इफ देर आर मोर देन 8255, तो एट ए टाइम 8086 एक ही 8255 से कम्युनिकेट करेगा। तो जिस भी 8255 से कम्युनिकेट करेगा, उस चिप को 8086 को, चिप को यानी आईसी को सिलेक्ट करना है। तो किस तरह से सिलेक्ट करेगा, तो उसके लिए ये जो चिप सिलेक्ट बार है, एक्टिव लो है, ये यहाँ पे जीरो जाना चाहिए। तो ये जो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज नोन एज डिकोडर लॉजिक। अब ये डिकोडर लॉजिक हमेशा सेम नहीं रह सकता, ये डिफरेंट होगा, डिपेंड्स ऑन यूजर। आप यहाँ तो या तो यहाँ पे डिकोडर यूज कर लीजिए, आप यहाँ पे गेट्स, लॉजिक गेट्स भी यूज कर सकते हो। तो हर एक का ये लॉजिक डिफरेंट होगा, ये लॉजिक सबका सेम नहीं हो सकता। बस इतना याद रखना है कि अगर ये 8255 सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे जीरो ही, वो जो भी लॉजिक हो, यहाँ पे जीरो जाना चाहिए। अब ये जीरो जाने के लिए यहाँ आप देख लीजिए, एड्रेस लाइंस कनेक्टेड है। ये एड्रेस लाइंस किसकी है, तो 8086 की है। अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं कि कौन सी एड्रेस लाइन कहाँ कनेक्ट की हुई है। तो आप सबसे पहले देखिए A0, जो 8086 का A0 एड्रेस लाइन है, ये यहाँ कनेक्टेड है। A0 इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ OR गेट। अब OR गेट का आउटपुट तभी जीरो होगा, इसको आउटपुट जीरो चाहिए। OR गेट का आउटपुट तभी जीरो होगा जब उसके दोनों इनपुट जीरो होंगे। तो एक इनपुट है A0। अब 8086 की A1, A0 यहाँ हो गई, A1 कनेक्टेड है A0 को और A2 कनेक्टेड है A1 को। फिर A3 और A4 कनेक्टेड है G2A और G2B सिलेक्ट लाइंस को। फिर 3:8 डिकोडर की 3 इनपुट से ABC, उसे कनेक्ट किया गया है 8086 का एड्रेस पिन A5, A6 एंड A7। तो ये जो पिन्स है, ये कहाँ पे कनेक्टेड है डिकोडर लॉजिक में, उसके अकॉर्डिंगली इसके 8255 के पोर्ट्स का एड्रेस निकलना चाहिए। तो ये एक टेबल देखिए। अब यहाँ पे ये A0 जो है, ये OR गेट के इनपुट में है। अब OR गेट का आउटपुट जीरो चाहिए, तो इसका मतलब A0 तो हमारा जीरो ही होना चाहिए। अब A1 और A2 जो है, ये यहाँ पे देखिए, A1 और A2 ये कनेक्टेड है A0 और A1 8255 के। अब हमें पता है कि जब A0 और A1 8255 के दोनों जीरो जीरो हो गए, तो वो पोर्ट A सिलेक्ट करेगा, 01 हो गए तो पोर्ट B करेगा, 10 पोर्ट C, और 11 है तो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर सिलेक्ट करेगा। इसका मतलब A1 और A2 में यही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब ये है बाकी 00। अब यहाँ पे देख सकते हैं 3:8 डिकोडर का आउटपुट Y4 जो है, वो OR गेट का सेकेंड इनपुट है। अब फिर से बता रही हूँ कि OR गेट का आउटपुट हमें जीरो ही चाहिए, इसका मतलब दोनों इनपुट भी जीरो होने चाहिए। ये 3:8 डिकोडर है जिसका आउटपुट क्या है, एक्टिव लो है। अब यहाँ पे Y4 कनेक्टेड है, यहाँ पे अगर यहाँ पे Y4 कनेक्टेड है, हमें Y4 पे जीरो चाहिए, इसका मतलब ये जो 5, 6, 7 है, यहाँ पे होने चाहिए 4, 4 यानी 100। अब अगर हम यहाँ पे OR गेट पे Y0 कनेक्ट करते, तो यहाँ पे ये जो है 5, 6, 7, ये होना चाहिए 000। अगर हम यहाँ पे Y7 कनेक्ट करते, तो यहाँ पे होता 111। यानी हम यहाँ पे डिकोडर का कौन सा आउटपुट OR गेट में, इनपुट में कनेक्ट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि A5, A6, A7 पे कौन सा स्टेटस होना चाहिए। अब यहाँ पे Y4 कनेक्ट किया है, और इसकी वजह से यहाँ पे A5, A6, A7 क्या होना चाहिए, तो ये 4 ही होना चाहिए, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। तो जैसे ही A5, A6, A7 पे 4 जाएगा, तो ये आपका Y4 क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये Y4 इस तरह से जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये लॉजिक फ्लो होता है, ये 100000, तो ये है हमारे लिए पोर्ट ए का एड्रेस। अब इसमें ये पोर्ट ए का एड्रेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये डिटरमाइन कर रहा है कि पोर्ट ए का एड्रेस है, क्योंकि A1 और A2 विच इज कनेक्टेड टू A0 और A1, जब दोनों जीरो है, तो वो पोर्ट ए का,
तो इसलिए पोर्ट ए का एड्रेस हो गया है 80 अकॉर्डिंग टू दिस। ये क्या है, ये PA0 टू PA7 ये पिन्स है पोर्ट ए की। उसी तरह से ये 82 हो गया है पोर्ट बी का एड्रेस, 84 हुआ है पोर्ट सी का एड्रेस और 86 हो गया है कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का एड्रेस। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस है, बाकी स्टेटस सेम है और इसी के वजह से सबका एड्रेस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब देखते हैं डेटा किस तरह से फ्लो होता है। तो आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए कौन से बिट्स फ्लो हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 00 ट्रांसमिट किया, यहाँ 10000। अब देखिए हम ट्रांसमिट करें, A7 पे 01 जा रहा है, ये 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0, 0 एंड 0। अब फिर से एक बार देख लीजिए डेटा फ्लो किस तरह से दिख रहा है, ऊपर के बिट्स A1 A2 और नीचे A3 टू A7, इस तरह से डेटा फ्लो हो रहा है, इस तरह से डेटा फ्लो हो रहा है। तो जब यहाँ पे इनपुट पे 100 फ्लो होगा तब यहाँ पे Y4 पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये 0 कनेक्टेड है OR गेट के इनपुट से। अब OR गेट के दोनों इनपुट्स जब 0 हो जाएंगे तो आउटपुट ऑब्वियसली 0 होगा जो जाएगा CS बार को। CS बार को ये चला गया तो ये 8255 सिलेक्ट हो गया। अब 8255 में भी कौन सा पोर्ट सिलेक्ट होगा, तो पोर्ट ए सिलेक्ट होगा क्योंकि हमने पोर्ट ए का एड्रेस एक्चुअली ट्रांसमिट किया है, ये 100000, तो इट विल सिलेक्ट पोर्ट ए, पोर्ट ए जिसका एड्रेस है 80। अब हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए अब मेमोरी ये राइट बार 1 है और रीड बार 1 है। अगर ये रीड बार 0 है और राइट बार 1 है, अगर ये ऑपरेशन है तो रीड सिग्नल यहाँ से फ्लो होगा, जैसे कि पहले में प्रीवियस स्लाइड में भी दिखाया है कि बेस्ड ऑन दिस 3 कॉम्बिनेशन यहाँ पे एक सिग्नल जनरेट होता है, IO रीड सिग्नल जनरेट होगा और ये ट्रांसमिट होगा रीड बार पे। और इसके बाद 8086 चाहे, ये सारा सिग्नल जानने के बाद अगर 8086 चाहे तो ये पोर्ट ए में जो भी लिखा है वो आप रीड कर सकता है। अब देखते हैं कि क्या करना होगा। अब हमें पता है कि जब भी हम लोग 8255 को 8086 के साथ कनेक्ट करना होता है तो सबसे पहले 8255 को हमें इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज करने के लिए कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में कंट्रोल वर्ड लिखना है, ये कंट्रोल वर्ड का फॉर्मेट है। अब ये 8255 इनपुट आउटपुट डिवाइस है जो 8086 को कनेक्ट किया हुआ है। जब भी हम लोग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करते हैं तो ये जो D7 बिट है वो होना चाहिए 1। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, राइट कंट्रोल वर्ड फॉर पोर्ट ए इन मोड 1 इनपुट पोर्ट, यानी हम लोगों को पोर्ट ए को मोड 1 में यूज करना है। मोड 1 में यूज करने के लिए ये 2 बिट से पोर्ट ए के लिए मोड सिलेक्शन ऑफ पोर्ट ए, अगर मोड 1 में करना है तो ये होने चाहिए 01, तो इसको कर दिया है 0 एंड दिस इज 1। अब पोर्ट ए को हमें एज ए इनपुट पोर्ट यूज करना है, इनपुट पोर्ट यूज करना है यानी पोर्ट ए से हमें अभी डेटा रिसीव करना है, यानी डेटा ट्रांसमिट होना चाहिए पोर्ट ए से 8086 की तरफ। तो वो करने के लिए ये बिट है जो डिसाइड करता है कि पोर्ट ए इनपुट में है, इनपुट में है तो ये 1 करना है। अब ये पोर्ट सी अपर के लिए है, कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो हमने इसे भी 1 कर दिया और इनपुट मोड के जैसा यूज कर दिया। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है, वी हैव टू यूज पोर्ट बी इन मोड 0। पोर्ट बी को मोड 0 में यूज करना है तो ये बिट है फॉर मोड सिलेक्शन ऑफ पोर्ट बी, अगर मोड 0 में यूज करना है तो ये बिट होना चाहिए 0, इसलिए हमने इसे कर दिया है 0। फिर हमें पोर्ट बी जो है एज अ आउटपुट पोर्ट यूज करना है, यानी पोर्ट बी से हमें डेटा ट्रांसमिट करना है, तो यहाँ पे पोर्ट बी को जब आउटपुट की तरह यूज करना है तो इसे करना होता है 0। और ये जो बिट है ये है पोर्ट सी लोअर। अब इसे कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम इसे भी यूज करेंगे एज आउटपुट पोर्ट। तो इस तरह से हमें यहाँ पे मिल जाएगा हमारा कंट्रोल वर्ड। अब हमारा कंट्रोल वर्ड है 10111000। अब इसे हेक्स में हम लिखेंगे तो हमारा कंट्रोल वर्ड हो जाता है B8, ये हो गया इन हेक्साडेसिमल। अब अगर हमें डेटा रीड करना है, जैसे कि मैंने बोला है कि डेटा रीड करना है फ्रॉम पोर्ट ए, पोर्ट ए से अगर डेटा रीड करना है तो सबसे पहले तो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में राइट करना होगा। कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का एड्रेस क्या है, हमने पहले वाले स्लाइड में देखा है, उसका एड्रेस है 86।
और ये है हमारा पोर्ट ए जिसका एड्रेस है 80। अब ये पोर्ट ए में स्टोर है डेटा FF जो कि 8086 को रीड करना है। ये 8086 का AL रजिस्टर है जिसमें कि BA हमें पहले ये कंट्रोल वर्ड जो है वो स्टोर करना है, उसके बाद इसे हमें कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में ट्रांसफर करना है और उसके बाद जो भी पोर्ट ए में है वो हमें रिसीव करना है। अब ये करने के लिए हमें सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करनी होगी। वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये है, ये जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है B8 क्या है, तो B8 कंट्रोल वर्ड है। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव होता है जब भी हम लोग इंटरफेसिंग डिवाइस यूज करते हैं 8 to 5, सबसे पहला काम है इनिशियलाइज करना और कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में कंट्रोल वर्ड डालना। उसके लिए दो इंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले ये कंट्रोल वर्ड हम AL रजिस्टर में ट्रांसफर करेंगे बाय यूजिंग मूव इंस्ट्रक्शन MOV AL, B8। ये इंस्ट्रक्शन से ये जो B8 है यहाँ पे AL रजिस्टर में अभी स्टोर हो गया। इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्टोर हो गया है AL रजिस्टर में। उसके बाद हमने एक इंस्ट्रक्शन यूज किया है OUT86, AL। What is 86? 86 is address of this control word register. Out instruction क्या करता है कि AL register में जो भी data है यहाँ से लेके उसे control word register में डालना है, because 86 is address of control word register. हमेशा याद रखिए जब भी हम port में या control word register में data transfer या receive करते हैं तो in और out instruction use होता है, move instruction use नहीं होता है। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दीज टू इंस्ट्रक्शंस क्या होगा, ये जो B8 है जो AL रजिस्टर में था वो 8286 के थ्रू ये डेटा बस से होके इस तरह से और होगा चला जाएगा कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में और स्टोर हो जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं, AL रजिस्टर से होके डेटा बस बफर से D0 D8 यहाँ पे रहेगा 8255 का, यहाँ पे होता है डेटा बस बफर 8255 का, वहां से होके ये कंट्रोल रजिस्टर में स्टोर हो गया। ये स्टोर हो गया तो 8255 इनिशियलाइज हो गया, नाउ इट इज रेडी फॉर यूज। अब हमने इंस्ट्रक्शन यूज किया है in AL, 80 इंस्ट्रक्शन क्या करता है, व्हाट इज 80? 80 क्या है, एड्रेस है पोर्ट ए का, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो ये इंस्ट्रक्शन फॉर इन इंस्ट्रक्शन यूज फॉर टू रिसीव द डेटा, इन इंस्ट्रक्शन से डेटा ट्रांसमिट होगा पोर्ट ए से 8086 के AL रजिस्टर पे, क्योंकि हमने लिखा है in AL, 80, यानी 80 जिस भी पोर्ट का एड्रेस 80 है उस पोर्ट में जो भी बफर में इनपुट बफर में स्टोर किया हुआ है वो ट्रांसफर करना है AL रजिस्टर में। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो पोर्ट ए में जो FF है वो फिर से डेटा बस के थ्रू इस तरह से ये 8086 में ये इस तरह से ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये होता है इस तरह का कम्युनिकेशन बिटवीन 8086 माइक्रोप्रोसेसर एंड 8255 प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। अब जैसे कि मैंने कहा है डिकोडर और लॉजिक इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा लॉजिक यूज करते हो, आप वहां पे क्या कनेक्ट करते हो, लेकिन जो भी डिकोडर लॉजिक होगा उस वही फाइंड आउट करता है आपके पोर्ट के एड्रेस और उसी पोर्ट के एड्रेसेस, वही पोर्ट के एड्रेसेस आपको लिखने होते हैं प्रोग्रामिंग में। ये होगा छोटा सा प्रोग्राम फॉर रीडिंग द कंटेंट्स ऑफ पोर्ट ए। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 8086 मिनिमम मोड में कैसे ऑपरेट होता है, आपका डिकोडर लॉजिक क्या होना चाहिए, बसेस जो है 8086 की किस तरह से कनेक्ट करनी है डिकोडर लॉजिक में, उसके अकॉर्डिंगली पोर्ट के एड्रेसेस कैसे जनरेट करेंगे और वही एड्रेसेस आपको लिखने हैं आपके प्रोग्रामिंग। सो इट इज वेरी वेरी इजी टू इंटरफेस 8255 विद 8086। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर कॉन्सेप्ट एंड इंटरफेसिंग ऑफ 8086 एंड 8255। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।